हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं आपको प्रैक्टिस सेट में आपको करवा रहा था और प्रैक्टिस सेट के मैंने आपको 6 सेट मैंने करवा दिए हैं आप लोगों को। और ये एसएससी सीएचएसएल के लिए मैं आपको करवा रहा हूँ और बाकी आपके ये रेलवे के लिए या बैंक के लिए या फिर आप एसएससी सीजीएल हो या एमटीएस हो या फिर सीपीओ, ये सारे के सारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मैं सिर्फ सी एस एल के लिए मैं लिख रखा है तो आप सिर्फ ओनली सी एस एल वाले पढ़ रहे हो। कोई भी इसको पढ़ सकता है, 100% को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मैं सी पी ओ के, सी जी एल मेंस के, प्री के, सी एच एस एल के सारे मैं मिक्स में क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो सारे के सारे टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ यहाँ पर और सबका मैं बेसिक ही बता रहा हूँ, तो आपको 100% फ़ायदा होगा। बस आप वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो दबा के से, ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आप लोग पढ़ सकते हो। पहला क्वेश्चन करने की सोल्व करो और चलो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को, क्या कह रहा है देखिए। एक व्यक्ति जो है वो नाव द्वारा धारा के प्रवाह के विपरीत दिशा में 3 सही 3/4 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 सही 1/2 घंटे का समय लेता है। धारा के प्रवाह की दिशा में 13 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लेता है, ठीक है भाई। उस व्यक्ति को स्थिर जल में 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये आप लोगों को निकालना है, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था, शायद इससे पिछली वाली वीडियो थी शायद, वो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर वो धारा की दिशा में जा रहा है, ठीक है, तो आपकी जो चाल होगी वो क्या होगी, एक्स प्लस वाई होगी, ठीक है। और अगर वो धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है तो चाल जो होगी, सापेक्ष चाल की बात करूँ मैं, ठीक है ना, ये सापेक्ष चाल है, ये क्या है आपकी सापेक्ष चाल है, सापेक्ष है दोनों के दोनों। तो क्या बताया था मैंने आपको, एक्स माइनस वाई, ठीक है। यहाँ पर एक्स मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ मैंने एक्स वैल्यू बताई थी आपको, शांत जल में चाल या कह सकते हो आप लोग स्पीड इन स्टिल वाटर, ठीक है, ये आप लोग कह सकते हो। वाई जो मैंने बताया था आपको, वो बताई थी मैंने धारा की चाल, यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले मैंने आपको बता चुका हूँ मैं आप लोगों को, और फिर से मैंने आपको बता दिए। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक व्यक्ति नाव द्वारा जाता है धारा के प्रवाह के विपरीत दिशा में, ध्यान करना विपरीत बोला है, इसका मतलब होगा क्या आप लोगों को, एक्स माइनस वाई निकालना है पहले तो, एक्स, ठीक है, क्या कह रहा है, और ये क्या है आपकी चाल है, ये क्या है सापेक्ष चाल है, ये सापेक्ष चाल है, ठीक है। विपरीत दिशा में 3 सही 3/4, इसका मतलब कितना हो गया, 15/4 ही होगा, 15/4, ये तो आपकी हो गई कितनी डिस्टेंस है वो, ठीक है। और आपको पता है ये चाल है आपकी सापेक्ष चाल, तो क्या आएगा आपका रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव क्या आएगा, टाइम आएगा। आपको पता होना चाहिए कि रिलेटिव अगर स्पीड आपको निकालनी है, रिलेटिव स्पीड निकालनी है तो क्या होता है फॉर्मूला, रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव टाइम, ठीक है। तो रिलेटिव डिस्टेंस कितनी आपकी 15/4 है और टाइम जो आपको लग रहा है वो लग रहा है 1 सही 1/2 आवर, ठीक है, यानी कि 3/2 घंटे, तो 3/2, तो 2 चल जाएगा ऊपर आपका, ठीक है। तो कितना आएगा, देखिए 2 से काट दो 2 बार, तो कितना आएगा, 3 से काट दो 5 बार, तो आपका आ जाएगा 2.5 आवर। यहाँ तक समझ में आया आपको, ठीक है। अब आगे देखिए क्या बोला इसने, धारा के प्रवाह की दिशा में, अब धारा के प्रवाह की दिशा में बोला है तो क्या करेंगे हम लोग, एक्स प्लस वाई करेंगे, ठीक है। मैं बताया मैंने आप लोगों को, 13 किलोमीटर जाता है तो डिस्टेंस कितनी आपकी 13 किलोमीटर है और टाइम कितना दे रखा है, 2 घंटे का समय है, यानी कि कितना रिश्ता हूँ, 2 6 12 और 0.5, ठीक है, 6.5 आपका कितना आ गया आवर आ गया। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है उस व्यक्ति को स्थिर जल के अंदर यानी कि स्टिल वाटर के अंदर 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो मैंने आपको बताया था कि स्टील वाटर की जो चाल होती है वो कैसे क्या होती है, यानी कि आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है पहली बात। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए आपको पता है कि एक्स प्लस वाई कितना है आपका 6.5 है और एक्स माइनस वाई जो है वो कितना है आपका 2.5 है, ठीक है। तो दोनों को ऐड करोगे तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, आप कहोगे कितनी आएगी, 9 आ जाएगी, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 9/2 आ जाएगी, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये चीज़ आप ऐसे लिखा मत करो, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ,
बाकी आपको कैसे सोचना है कि दोनों को ऐड करो। अगर आपको पहले वाली वैल्यू चाहिए यानी कि बड़ी वाली वैल्यू चाहिए प्लस वाली वैल्यू चाहिए तो दोनों को ऐड करो और दोनों का क्या करो, दो का भाग लगा दो। दोनों को ऐड करके दोनों का भाग लगा दो। क्या समझा रहा हूँ आप लोगों को, दोनों को तो ऐड करना है। आपको जब भी एक्स की वैल्यू निकालनी हो पहली वाली तो क्या करना है, 6.5 प्लस 2.5 अपॉन कर देंगे 2। अगर आपको वाई की वैल्यू निकालनी होती तो 6.5 माइनस 2.5 बटे 2 कर देते। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये कितनी आ गई आपकी, ये आ गई 9/2, ठीक है। और ये कितनी आएगी बताइए, ये आएगी 2, 4/2 आ जाएगी, ठीक है। इसका मेरा काम है नहीं अभी। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, आगे पढ़िए क्वेश्चन में। एक मिनट, क्वेश्चन गायब हो गया थोड़ा सा। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, उस व्यक्ति को स्थिर जल में 90 किलोमीटर जाना है आपको, तो 90 किलोमीटर जाना है मुझे बताइए। अगर उसको 90 किलोमीटर जाना है, ठीक है, और आपको स्टील वाटर की जो कह रखी है चाल कितनी है, 9/2 है, 9/2 है, तो मुझे बताइए आपकी जो क्या आएगा, आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो बताइए टाइम कितना आएगा, 9 से काट दो 10 बार, कितना जाएगा, 20 घंटे। तो ये आपका आंसर था और एक सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने कुछ भी नहीं किया। इसने बोला है कि धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है तो क्या करना है। ये क्या होती है आपकी, रिलेटिव क्या होती है, स्पीड होती है। तो रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव टाइम। तो रिलेटिव आपको डिस्टेंस दे रखी है, टाइम भी दे रखा है, तो मैंने क्या निकाल ली, रिलेटिव स्पीड निकाल ली। वैसे अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, धारा की दिशा में जा रहा है, तो ध्यान करना क्या होगा, आपको दोनों को ऐड करना है। दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, यानी कि एक्स प्लस वाई करना है। और उसकी वैल्यू आप लोगों को दे रखी है 13, आप लोगों को डिस्टेंस दे रखी है 2 घंटे, आपको टाइम दे रखा है। तो मैंने 6.5 आवर निकाल कर लिया, स्पीड निकाली रिलेटिव, और आपको एक्स की वैल्यू चाहिए तो दोनों को जोड़ के ऐड कर दी, कितना आ गया, 9/2। अब पूछा कि आपको 90 किलोमीटर जाना है, किससे जाना है, स्टील वाटर वाली जो आपकी चाल है, यानी कि आपकी किसी है एक्स वैल्यू जाना है आपको। तो हमें क्या कर दिया, मैंने एक्स का मैंने भाग लगा दिया इसके अंदर, तो कितना आ गया आपका, 20 आवर आपका आंसर आ गया। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है। तो क्वेश्चन आपने लोगों को उतार लिया होगा और आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो और आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, ठीक है। तो करो सॉल्व अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करो और आसान सा क्वेश्चन है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तब तक तो इसका आंसर आ जाना चाहिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आपको आते हैं, मुझे पता है कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आते हैं, लेकिन मैं आपको उसके अंदर भी कुछ नया सिखाने की कोशिश करूँगा। आपकी कैलकुलेशन कैसे आप लोग कम करो वो भी मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इसलिए जब भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँ, तो एक तो आप लोग खुद सोल्व करने की कोशिश क्या करो, चाहे आपको आता है या नहीं आता, आता है फिर भी क्या करो और नहीं आता है फिर भी क्या करो। देखिए मैं आपको सोल्व करवाता हूँ क्वेश्चन क्या कर रहा है। आपको दे रखा है ए की वैल्यू, आपको दे रखी है ए बराबर दे रखा है, आपको कितना दे रखा है देखिए, आपको दे रखा है 500, ठीक है। बी का मान जो दे रखा है आपको, बी का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 502, ठीक है। और सी का जो वैल्यू दे रखी है आपको वो दे रखी है 504, ठीक है, 504। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, और माइनस का 3abc निकालना है आप लोगों को। तो देखिए फॉर्मूला आप लोगों को सबको पता है इसका, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी प्लस सी बटे 2। सबको पता होगा फॉर्मूला, मुझे पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नहीं पता तो आप देख लेना, बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अब इसको सोल्व करना है आप लोगों को, तो सोल्व कैसे करेंगे, देखिए एक काम करो आप लोग, दोनों को जोड़ो और आधा कर दो उनको, तो दोनों को जोड़ना है आप लोगों को। तो देखिए तीनों को, सॉरी ना, ए बी सी को जोड़ना है आप लोगों को। तो देखिए 5 3 1500 और 4 और 2 6 कितना आ गया, 1506 आ गया आपका, 1506 आ गया आप लोगों का, बटे 2 है आपका इनटू। अब देखिए आप लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे आप लोग, तो मुझे बताइए क्या आएगा आपका, ए माइनस बी करोगे तो कितना आएगा, डिफरेंस इनका 2 आएगा और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। और b माइनस सी करोगे आप लोग, b में से c माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा, लेकिन माइनस का क्या है आपका स्क्वायर लगा हुआ है, तो बाद में क्या आएगा, प्लस बन जाएगा वो, तो क्या बनेगा, 4 ये बन जाएगा आप लोगों का, ठीक है। और अब बात करते हैं हम लोग c माइनस a की, तो c माइनस a कितना आएगा बताइए आप लोग, तो 4 500 में से 5 4 करोगे तो कितना आएगा, देखिए 504 में से 500 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर करना है तो कितना जाएगा, 16। अब इनको सॉल्व करने की कोशिश करो आप लोग, तो 1506 इंटू कितना आएगा, 16 4 20 और 4 24,
और 24 में अगर आप 2 से भाग दोगे तो कितना बचेगा, 12। ठीक है, अब देखना, अब कुछ स्टूडेंट इसको गुणा करने में लग जाएंगे बिना बदले, पूरा पूरा सोल्व करेंगे इसको, आंसर आपको वही टिक करना है चाहे आप पूरा सोल्व करोगे। अब देखिए, आपको लास्ट की जो डिजिट होती है, यूनिट डिजिट बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट जो होती है आपकी, यानी कि 12 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा लास्ट में, 2 आएगा, 12 6 72 आएगा। अब आपको सबको बताया कि लास्ट में 2 किस में आ रहा है, ऑप्शन चेक कर लो, तो आप लोग देखोगे ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो क्या आ रहा है, 18 0 72 आ रहा है। तो आप लोगों को पूरा सोल्व नहीं करना है, अगर आपके एक क्वेश्चन में अगर आपकी एक सेकंड भी बच रही है तो एक एक सेकंड करते 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 आपके जितने भी क्वेश्चन, आपके 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, तो ऐसे आप 20-25 सेकंड, या फिर एक किसी में आपके एक सेकंड बची, किसी में 2 सेकंड, किसी में 5 सेकंड, ऐसे बचाते जाओगे तो आपका 4-5 मिनट एक्स्ट्रा बच जाएगी और उसके अंदर आप लोग कोई नया क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। ठीक है, तो आपको टाइम बचाना है कैसे भी करके। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था और ये फॉर्मूला था, मैंने वैल्यू रख दी, इसमें तो कोई समझाने वाली बात है नहीं। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए बस, जो भी नया क्वेश्चन बनेगा मैं आपको बिना बोले ही आपको समझा दूंगा उसका बेसिक। ठीक है, और जो क्वेश्चन आसान होंगे उनके उनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट हम लोग करेंगे नहीं। चलो अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो, और ये एक थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, करो अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश। क्या कह रहे हैं, पढ़े दो आपके लिए, त्रिभुज ABC में आपको जो C है वो आपको दे रखा है 90 डिग्री, और D जो है CB पर एक ऐसा बिंदु है जिससे कि AD जो है कोण A का क्या है, समद्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, यदि AC का मान आपको 5 दिया हुआ है, BC का मान 12 दिया हुआ है, तो AD की लंबाई आप लोगों को निकालनी है। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग करना है, सोल्व करने की कोशिश करना, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आपको ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, जिसके अंदर C जो है आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, ये मैंने ट्रायंगल बनाया आपका ABC। ठीक है, तो C आपका क्या है, 90 डिग्री है। अब ये क्या है आपका, A हो गया, ये B हो गया। ठीक है, ए यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो, कोई से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, डी जो है CB पर एक ऐसा बिंदु है, डी जो है CB पर एक बिंदु लेना आप लोगों को, डी मैंने कोई एक डी बिंदु लिया जो कि CB पर स्थित है, और जिससे कि AD जो है कोण A का क्या है, समद्विभाजक है, यानी कि कह रहा है कि हमने इसको AD को मिलाया पहली बात तो, और AD जो है ना वो कोण A का एंगल बाइसेक्टर है, और एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है आप लोगों को सबको पता होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कि दोनों कोण क्या हैं आपके, बराबर है। मैंने आपको इन सेंटर में मैंने आपको पढ़ाया है, जिसने आपको वीडियो नहीं देखी एक बार जरूर जाके देखना, मैंने बहुत ही बेसिक से समझाया है। ठीक है ना, तो आप लोग एक बार जाके देखना, और वही चीज़ के अंदर काम आने वाली है। ठीक है, और मैं लिंक मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लेना एक बार जाके। तो देखिए आगे क्या कर रहा है, यदि AC बराबर 5 दे रखा है आप लोगों को, AC का मान कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, और BC का मान दे रखा है 12, BC का जो मान है वो दे रखा है 12, तो मुझे बताइए आप लोगों को निकालना है AD, आप लोगों को AD की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है, AD की मान आपको निकालना है, तो मुझे बताइए आप लोग कैसे निकाल पाओगे। पहली बात तो मुझे बताइए यहाँ पर AB की वैल्यू कितनी होगी, ये 5 है ये 12 है, तो मुझे बताइए क्या ये वैल्यू 13 ही होनी है, क्या ये वैल्यू 13 ही होनी, क्या किस किस को पता है ये वैल्यू, वैल्यू बताइए किस किस को पता है कि 5 12 13 होता है। मैंने आपको ट्रिपलेट मैंने आपको बताए थे, पहले ही बता चुका हूँ, फिर मैं आपको याद करवा देता हूँ। देखिए 3 4 5 6 8 10 9 12 15, ठीक है, और 5 12 13 10 24 26, ठीक है, और 8 15 17 9 24 25 9 24 25 होता है क्या, सॉरी 7 24 25 9 40 47, ठीक है, और भी बहुत सारी वैल्यूज हैं जैसे 15 20 25। और एक चीज़ आप लोग याद रखना, इनके जो मल्टीपल होते हैं वो भी इनके क्या होते हैं, क्या होते हैं, त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, उसकी क्या होती है, साइड्स होती है। जैसे मैं कह दूं, अगर सपोज करो जैसे मैंने क्या लिखा 3 4 5 लिखा, अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं पूरे को, तो 2 3 6 2 4 8 2 5 10, तो क्या ये भी ट्रिपलेट बन रहा है क्या आपका, ये भी बन रहा है। अगर मैंने इसको 3 से गुणा कर दिया, 3 3 9 3 4 12 3 5 15, तो क्या ये भी ट्रिपलेट बन रहा है क्या, तो ये भी बन रहा है। अगर आप इसको 4 से गुणा कर दोगे, 4 से, तो क्या बनेगा, 4 3 12 4 4 16 और 4 5 20, तो ये भी ट्रिपलेट बनेगा। आप इसको कितने से भी गुणा कर दो वो भी क्या बनेगा, ट्रिपलेट बनेगा। ठीक है ना, लेकिन उसको जो मिनिमम जो वैल्यू होनी चाहिए वो 3 4 5 होनी चाहिए, और एक सेम संख्या ऐसी होनी चाहिए जो सबसे क्या हो, गुणा हो उसका। ठीक है, वैसे ही बात कर दूँ 5 12 13 की, तो मुझे बताइए मैंने 2 से गुणा कर दी क्या बनेगा, 10 24 26 बन गया आप लोगों का। ठीक है, ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, उसका मल्टीपल ढूंढ सकते हो आप लोग। ठीक है, तो यहाँ तो सिंपल सा था 5 12 13, ये मैंने आपको बता दिया अभी। ठीक है, 5 12 13 ये रहा, अगर ये साइड 5 है या 12 है या 13 है, अगर आपको नहीं पता तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का कर लो
13 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए, अब इसने बोला है कि AD जो है कोण एका क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, यानी कोण समद्विभाजक है। और मैंने आपको कोण समद्विभाजक की मैंने आपको एक डेफिनेशन पढ़ाई थी, मैंने कहाँ पढ़ाई थी, मैंने इन सेंटर में पढ़ाई थी, और आपने नहीं पढ़ी है आप लोग एक बार जाके देखना। एक बार मैं आपको वापस बताता हूँ एक बार मैंने क्या बताया था, यहाँ तो मैं बता ही दूंगा आपको, लेकिन अगर आपको पूरा बेसिक जानना है तो आप लोग मेरी इन सेंटर वाली वीडियो में चला जाना एक बार फटाफट से। देखिए मैंने आपको समझाया था कि अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर जहाँ मिलेगा उसको मैंने नाम दे दिया डी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ध्यान रखना एंगल बाइसेक्टर जो होता है सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जितने की एंगल बनाने वाली साइड्स है। क्या समझा रहा हूँ मैं इसका, फिर देखिए आप लोगों को। अगर मैं मान लूँ कि ये साइड आपकी क्या है, एक्स और वाई है, ये साइड आपकी एक्स और वाई है, तो ध्यान रखना ये सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जितने की एंगल बनाने वाली साइड्स हैं। तो देखिए एंगल किससे बन रहा है आपका, इससे बन रहा है ए बी से, तो साइड कितनी है एक्स, तो एक्स अनुपात कितना बांटेगा, वाई में बांटेगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर देखिए मैं क्या समझा रहा हूँ आप लोगों को, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि ए बी सी अगर कोई ट्राइंगल है, ए बी सी अगर कोई ट्राइंगल है और ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये वाला एंगल बाइसेक्टर है, तो ध्यान रखना अगर ये रेशियो 5:3 है तो ध्यान रखना ये रेशियो भी कितना होगा, 5:3 होगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि AB बटे AC जो होगा आपका वो होगा BD/DC। ये आप लोगों को याद रखनी है। आई कैसे, मैंने ये प्रूव करके भी दिखाया है, आप लोग मेरी ज्योमेट्रिक में जाना और इन सेंटर वाला मैंने एक पूरा चैप्टर बनाया है, ठीक है, उसमें जाके आप लोग देखना एक बार। मैंने ये भी बताया कि ये फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है, तो आप लोग जाके देखना। अभी मैं आपको पूरा डिटेल नहीं बता सकता, सिर्फ मैंने आपको बता दिया कि होती क्या थ्योरम आपकी। तो देखिए, तो मुझे बताइए ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, तो मैंने बताया कि जहाँ पर कोण बनता है, ये वाला कोण बन रहा है, ये बन रहा है, तो सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जितने की एंगल बनाने वाली साइड्स है। तो एंगल बनाने वाली साइड कौन सी है, तो 5 है और एक 13 है, तो ध्यान रखना ये किस में डिवाइड करेगा, 5:13 में डिवाइड करेगा। ये जो है 12 को किस में डिवाइड करेगा, 5:13 के अंदर। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सी डी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। अगर मैं सी डी की वैल्यू निकालूँगा कैसे निकालूँगा मुझे बताइए आप लोग। आपको पता है कि जो 12 वैल्यू है, 12 जो वैल्यू है वो टोटल के बराबर है, यानी कि 13 और 5 ये 18 के बराबर है। और आप लोगों को सिर्फ इतनी निकालनी है, आप लोगों को सिर्फ इतनी निकालनी है, इतनी वाली। और इसका रेशियो कितना आपका, 5 है, तो इंटू कर देंगे 5 से, तो देखिए कितना आ जाएगा, 6 × 3 = 18, 6 × 2 = 12, तो आपका आ जाएगा 10/3। कितना आ गया, 10/3। तो आपको पता लग गया कि सी डी का मान जो आ गया वो आ गया 10/3 आ गया। सी डी का मान कितना आ गया, 10/3। अब मैं बात करता हूँ ट्राइंगल ए सी डी की, तो मुझे बताइए क्या मैं ऐसा ले सकता हूँ क्या कि AC² + CD² = AD² वो आप लोगों को AD निकालना है, ठीक है। AC² कितना है आपका, 5² = 25 कर देना आप लोग। CD कितना है आपका, 10/3, तो क्या कर दोगे, 100/9, तो आपका AD² आ जाएगा। सोल्व कर लो कितना आएगा, 25 × 9 = 225 और 100 कितना आ जाएगा, ये 325 / कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और आप लोगों को AD निकालना है, तो AD क्या कर देंगे, इसका रूट स्क्वायर निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो देखिए 325 को क्या ले सकते हैं हम लोग, 325 को ले सकते हैं हम लोग 13 से भाग देते हैं उसके अंदर, 13 से आप लोग भाग दोगे तो ये बनेगा आपका 13 × 25 ले सकते हो, तो उसको ले सकते हो आप लोग 5√13/ कितना आ जाएगा, 13। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, स्क्वायर रूट तो आप लोग निकाल लोगे ना, इसका स्क्वायर रूट आप लोग निकाल लेना। देखिए आसान सा क्वेश्चन था, मैं आपको फिर समझा रहा हूँ। आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ था ACB जिसके अंदर आपको C क्या है आपका, 90 डिग्री है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको AC दिया हुआ है 5, CB दिया हुआ है कितना, 12, तो मैंने AB की वैल्यू निकाल ली कितनी आ गई, 13। अब मुझे पता है कि ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर, और एंगल बाइसेक्टर जो होता है सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जितने की एंगल बनाने वाली साइड्स होती हैं। तो एंगल बनाने वाली साइड्स कौन सी है, 5 और 13 हैं, तो इस 12 को ये 5 और 13 में बांटेगा, 5 और 13 में बांटेगा। तो देखिए 12 जो वैल्यू है वो कितने की है, टोटल की वैल्यू है, यानी कि 18 की वैल्यू। आप लोगों को इतनी सी वैल्यू निकालनी है ये वाली, ठीक है, तो कितनी निकालनी, 5 ही निकालनी है, तो कितनी आ गई, 10/3। अब ये वैल्यू पता है आपको, 10/3 ये भी पता है, तो ये क्या है आपका, समकोण त्रिभुज है, और ये क्या हो गया आपका आधार, ये क्या हो गया लंब। तो आपने कर्ण निकाल लिया, आपकी AD की वैल्यू आ गई, ठीक है। इतना तो आप लोग सॉल्व कर लोगे क्या, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था ये वाला, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आसान तो मतलब आसान जब हुआ, लेकिन आपको पता हो कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है तब तो आसान है, वरना 10 में आप कितने माथापच्ची करते रहो आपसे हो गई नहीं वाला, ठीक है। तो अपने स्क्रीनशॉट ले लो उसका, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और आपको लग रहा है कि जो पढ़ा रहा हूँ कॉन्सेप्ट वगैरह आपको पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर ठोकते रहो फटाफट से दबा के।
ठीक है, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो ना भाई, वीडियो को लाइक और शेयर तो कर ही सकते हो, और तो कुछ करो मत, इतना तो करो आप लोग, ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर तो आप लोग करो ही करो, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है 800 रुपये है, एक वस्तु है उसका अंकित मूल्य है 800 रुपये। एक दुकानदार इसे 2 क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद, ठीक है, कितने बेचता है, 540 रुपये में बेचता है, ठीक है। पहली छूट आपको दे रखी है 25%, तो आपको दूसरी छूट निकालनी है। देखिए आपको फर्स्ट डिस्काउंट दे रखा है, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बार करवा चुका हूँ और करवा चुका हूँ, ठीक है। देखिए आपको पता है MRP जो है वो दे रखी है, आपको कितनी दे रखी है। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक, बेसिक मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बार बार हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो MRP दिया आपको 800 रुपये, दुकानदार इसे 2 छूट में देने के बाद 540 में खरीदता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। दुकानदार था, उसने किसी थोक विक्रेता था भाई, जो होते हैं ना आपके थोक विक्रेता वगैरह, उनसे क्या करा उसने, उस पर प्रिंट रेट थी उसके लिए, दुकानदार के लिए कितनी थी, 800 रुपये थी, और उसने दुकानदार ने थोक जैसे कितने में खरीदी, वो खरीदी 540 में, और उसको 2 डिस्काउंट मिले, और हमको पहला डिस्काउंट पता है हमको सिर्फ और सिर्फ। तो उसके लिए तो क्या हो गया, वो SP हो गया क्या भाई, थोक विक्रेता के लिए क्या हो गया, वो SP हो गया, ठीक है। कितने दे रखा आप लोगों को, 540, और मैंने आपको बताया थी आपको क्या दे रखा है, पहला जो डिस्काउंट है वो दे रखा है 25%, पहला जो डिस्काउंट दे रखा है आपको दे रखा है 25%, और 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 4 की वैल्यू पर 1 की छूट दी है। 4 क्या है आपका MRP हो गया, 1 क्या हो गया आपका डिस्काउंट हो गया, ठीक है, 1 क्या हो गया आपका डिस्काउंट हो गया। तो मुझे बताइए बेचे कितने में उसने, क्या 3 में बेचेगा क्या वो भाई, 4 रुपये की चीज़ पर 1 रुपये की छूट दे रहा है, तो बेचे कितने में, 3 की, तो वैल्यू कितने की, 3 की। तो बस आपको यही सोल्व करना है। अब देखिए 800 क्या है आपका MRP है, तो MRP नीचे क्या रखेंगे, MRP यानी कि वैल्यू कितने की है, 4 की है, और 540 जो वैल्यू है वो कितने की हो गई आपकी, वो वैल्यू कितनी होगी SP की, यानी कितने की है ये, 3 की। अब इनका रेशियो निकाल लो, 3 से काट दो ये 18 बार, 4 से काट दो ये 20 बार, तो कितना आएगा देखिए, ये आ जाएगा 20:18, यानी कि काटोगे तो कितना आएगा ये 10/9 आ जाएगा। तो अब मुझे बताइए 10 की वैल्यू आप लोग 9 में बेच रहे हो, तो डिस्काउंट कितने का दे रहे हो, तो डिस्काउंट दे रहे हो आप लोग 1 रुपये का, 1 का डिस्काउंट, और कितने पे दे रहे हो, 10 पे, तो गुणा कर देंगे 100 से, तो कितना आ गया आपका डिस्काउंट, 10%, कितना आ गया 10% क्या आ गया आपका, तो सेकंड जो आपकी छूट थी वो कितनी आ गई, 10%, ठीक है। सेकंड जो छूट आ गई वो कितनी आ गई आपकी, 10% आप लोगों की आ गया डिस्काउंट आ गई। तो देखिए फिर समझ लीजिए क्वेश्चन क्या करा है, आपको MRP दी हुई है, सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है, आप लोगों को एक डिस्काउंट आपको दिया हुआ है 25%, तो इसका मतलब होता है 1/4, और 1/4 का मतलब है 4 रुपये की चीज़ पर आप लोग 1 छूट दे रहे हो, तो यानी कि MRP कितना है, 4 है, 1 की छूट दे रहे हो, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 3 रुपये हो गया। तो सेलिंग प्राइस के लिए मैंने सेलिंग प्राइस रख दिया, और MRP जगह MRP रख दिया, फिर मैंने इनका रेशियो निकाल लिया। फिर आप देखना आप लोग, ये तो मैंने एक डिस्काउंट निकाला ना, तो सेकंड डिस्काउंट निकालना आप लोगों को, तो 10 की वैल्यू 9 दे रहा है, तो यानी कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, 1 रुपये का, और कितने पे, 10 रुपये पे, तो कितना आ गया, 10% आप लोगों को क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को आसान बना सकते हो, विद इन सेकेंड कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आप लोग 5 या 6 सेकेंड में कर पाओगे, ठीक है। ये तो मैं आपको समझाने लिख रहा हूँ, मैंने आपको क्वेश्चन कैसे करोगे आप लोग, फटाफट लिखोगे, 800 अपन कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, 25/1/4 है ना, तो 4 की वैल्यू कितने में देगा, 3 में देगा, यानी 540/3 लिखोगे। सोल्व कर लेना कितनी बार जाएगा, ये 20 बार कट जाएगा, ये कितनी बार कटेगा, 18 बार कटेगा, देखिए 10/9 आ गया, 1/9 आ गया, 1/10 आ गया, कितना आ गया। तो ऐसे आप लोग सोल्व करना है, एग्जाम के अंदर ये नहीं लिखना पूरा लिख रहे हो आप, 25% लिख रहे हो, वो लिख रहे हो, वो आपको दिमाग में करना है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ दिमाग में करना है, बाकी आपको सोल्व तो ये आपको 5 या 6 सेकंड का क्वेश्चन था ये वाला, ये तो मैं आपको समझाता हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसके अंदर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, अगला क्वेश्चन सोल्व करो, और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। मैं जब तक क्वेश्चन लिखता हूँ, और जब तक आप इसका आंसर मुझे आना जी कमेंट के अंदर, देखिए मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, एक बार क्या लिख रहा है आपको, लिखा हुआ है क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका 0.13 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0.21 का होल स्क्वायर बटे, आगे दे रखा कितना, 0.39 का होल स्क्वायर, और फिर रखा आपको 81। क्वेश्चन आपको दिखने में बड़ा लगेगा, लेकिन क्वेश्चन एकदम आसान है वाला, ठीक है, और डिवाइड बाय दे रखा आपको कितना दे रखा, देखिए 2.4 की पावर 4 प्लस
तीन इंटू 11.52 प्लस का 9 और फिर रखा है 2.4 की पावर 6। डरना नहीं है आप लोगों, ठीक है ना, क्वेश्चन देख के। और फिर क्या करा है, 6 इंटू 2.4 की पावर 4 प्लस 3 इंटू 17.2.8। ध्यान रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, इतना बड़ा क्वेश्चन आए, ऐसा नहीं कि आप लोग सोल्व करने ले जाओ, आप लोग 81 7 के स्क्वायर गुणा 4 फिर गुणा करोगे, फिर जोड़ोगे, फिर भाग दोगे, आपको जन्म लग जाएंगे सोल्व करने में, ऐसा तो आपको, ठीक है ना। फिर तो आप जैसे आपका एग्जाम अगर 1 घंटे का, तो 1 घंटे में आप लोग यही क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे आप लोग। फिर आप बोलोगे कि मेरा तो पेपर छूट गया, ठीक है। अगर नहीं आया तो छोड़ दिया करो। अगर आपको पता है ऐसा क्वेश्चन कैसे करते हैं, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं आपके एलजेब्रा से होते हैं। कैसे होते हैं, एलजेब्रिक वैल्यू से आपके होते हैं वाले एलजेब्रा का क्वेश्चन रहते थे। मानोगे लोग, देखिए एक एलजेब्रा का क्वेश्चन है, देखिए सोल्व कैसे करेंगे। तो मुझे आप लोग बताइए, आप एक चीज़ देखना है यहाँ पर कि 13 यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 13 है, ये कितना है 13 है। और आप नीचे देखोगे कि ये 13 3 39 है, ठीक है, और ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर है, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ से कॉमन आएगा। तो आप लोग एक काम करो, देखिए एक काम करो आप लोग, यहाँ से आप लोग काम करो, क्या करोगे, नीचे से, नीचे से आप एक काम करो, 3 का स्क्वायर कॉमन ले लो, 3 का स्क्वायर क्या ले लो, कॉमन ले लो। और 3 का स्क्वायर क्यों, जैसे देखिए मैं क्या समझा रहा हूँ लोगों को, कि आप 39 को 0.39 को ऐसे ले सकते हो क्या, 3 × 0.13 ले सकते हो क्या, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इस चीज़ आपको, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 3 का स्क्वायर बाहर कॉमन लूँगा, ध्यान करना 3 बार नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो 3 का स्क्वायर बाहर आएगा, 3 का स्क्वायर क्या आएगा, बाहर आएगा। तो कितना बाहर आएगा, 1/9। तो देखिए ऊपर तो क्या लिख रहा है, 0.13 का होल स्क्वायर प्लस, ऊपर तो सेम रख दो, नीचे क्या करो आप लोग, 3 का स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बनेगा, 0.13 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 0.21 का होल स्क्वायर। कैसे, देखिए भाई यहाँ से 9 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, 9 बनेगा, 9 ही बचेगा ना आप लोगों का। और ये 9 जब अंदर जाएगा भाई, यहाँ से आपने 9 तो कॉमन ले लिया, 3 के स्क्वायर 9 तो कॉमन ले लिया आपने, यहाँ क्या बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है, 9 बचेगा। और ये 9 को आप लोग जब भी 0.7 के अंदर गुणा करोगे तो ये अंदर जाएगा, तो ये 3 की पावर 2 में जाएगा, ये 3 की पावर 2 है ना, ये तो अंदर क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी ये, तो क्या हो जाएगा, 3 × 0.07, तो क्या बनेगा, 0.21, ठीक है। तो वही बन जाएगा आप लोगों का सोल्व करोगे तो। तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया इस तरीके से, ठीक है, या तो कोई दिक्कत किसी को। अब आगे देखिए इसको सोल्व करते हैं इस वाले को। तो मुझे बताइए, जैसे आपको पता है कि 2.4 की पावर 4 आ रही है, तो यहाँ पर 6 आ रही है, मतलब यहाँ भी कुछ ना कुछ कॉमन आएगा आप लोगों का, ठीक है, क्योंकि आपका ऐसा तो बन नहीं रहा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे वैल्यू में से कुछ दिख नहीं रही, यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 4 बन नहीं पाएगी, ठीक है, तो आपका फॉर्मूला तो बन नहीं पा रहा है, तो कुछ ना कुछ कॉमन ही आप लोगों का आएगा। तो देखिए कॉमन कैसा आएगा, देखिए मुझे बताइए, तो मैं एक काम करता हूँ, ऐसे ऊपर तो मैं सेम कैसे देता हूँ, ऊपर तो मैं सेम वैल्यू देता हूँ, प्लस 3 × 11.52 प्लस का 9। देखिए नीचे से जैसे मैं क्या करूँगा, 2.4 की पावर क्या कॉमन लूँ बताइए, मुझे 2.4 की पावर 4 चाहिए, तो मैं ऐसे 2 पावर कॉमन ले लूँगा, 2 पावर में क्या ले लूँगा, कॉमन ले लूँगा, तो अंदर क्या बचेगी, 2.4 की पावर क्या बच जाएगी, 4 बच जाएगी, ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब मुझे बताइए इसमें से आप लोग कॉमन लोगे, आप लोग क्या लेना है, आपको 2.4 कॉमन लेना है, आपको क्या लेना है, 2.4 की पावर 2 कॉमन लेना है, तो अंदर देखिए क्या बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, देखिए मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ एक बार, आपने क्या करोगे यहाँ से, जैसे आपने 2.4 की पावर स्क्वायर ये कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, देखिए 6 × 2.4 की पावर क्या बचेगा, क्या यही बचना है, क्या क्या यही बचेगा, क्या बताइए, तो आप बोलोगे कि हाँ यही बचेगा, ठीक है। और तो मुझे आप लोग बताइए, आप बताइए कि 6 × 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे 576, तो 576 होगा, यानी कि मैं लिखता हूँ 5.76 लिखता हूँ, क्या मैं 5.76 में इसको ले सकता हूँ, ठीक है। और अब देखिए आपको ऊपर क्या लिख रखा है, 3 लिख रखा है, तो एक काम करो इसमें से 2 को आप लोग गुणा कर दो, तो इसको 2 इसमें 2 और 3 है ना, ये इसको कह सकता हूँ 3 × 2 ले सकता हूँ मैं, तो 3 तो आपको सेम रखना है यहाँ पे, 3 तो आपको सेम रखना है, और 2 को अंदर गुणा कर दो, तो 2 को जैसे गुणा करोगे तो ये बनेगा आपका 11.52, आप लोग गुणा कर लेना, तो ये बनेगा 3 × 11.52, तो आपकी जो वैल्यू है यही बनेगी, क्या बनेगी, 3 × 11.52, ठीक है, 52, ये आपकी वैल्यू अंदर बचेगी। प्लस वैसे देखिए ये तो मैंने इसकी वैल्यू बताई मैंने आपको, ये तो मैंने इसको सोल्व किया है, वैसे अगर मैं इसको सोल्व करूँ, इसको अगर मैं सोल्व करने की कोशिश करूँ,
तो मुझे आप लोग बताइए, अगर मैं इसमें से 2.4 की पावर 2 कॉमन लूँगा, तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो, इसको पहले तो सिंप्लीफाई करो। 3 इंटू, मुझे बताइए क्या 17.28 जो होता है, क्या 12 का क्यूब होता है क्या? आप लोगों को पता होना चाहिए कि 12 का क्यूब कितना होता है आपका, 17.28, है ना? ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और अगर मैं 1.2 का निकालूँ क्यूब तो कितना, 3 बार 0 पॉइंट आ जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ कि 1.728 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा? 1.728 आ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए ध्यान से सुनना एक बार क्वेश्चन को, मैं क्या समझा रहा हूँ लोगों को। आपको 17.28 है, तो मैं ऐसा लिखता हूँ क्या, 1.2 का क्यूब लिख सकता हूँ क्या मैं इसको? तो आप बोलोगे कि सर आप लिख तो सकते हो, लेकिन यहाँ पर तो 17.28 है, ठीक है? तो एक चीज़ याद रखना आप लोग, क्या मैं इसको ऐसा लिखता हूँ क्या, अगर मैं इसको 10 से गुणा कर दूँ, एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इसको 10 से गुणा कर दूंगा भाई, 1.78 को अगर मैं 10 से गुणा कर दूँ, तो क्या आपका यही बन जाएगा क्या 17.28? और आपको यही चाहिए, आपको 17.28 चाहिए आपको, तो मैंने क्या कर दिया, 10 से गुणा कर दिया, ठीक है? अब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको गुणा करोगे तो आपको यही बनेगा, क्या बनेगा, 3 इंटू 17.28 बनेगा आप लोगों का। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 9 ही चाहिए, हमें तो सिर्फ और सिर्फ 9 ही चाहिए। तो क्या करेंगे आप लोग देखना एक बार, ठीक है? तो मैं देखिए, आपने एक काम करो, आपने क्या बाहर क्या निकाला है, आपने एक काम करो उसको सिंप्लीफाई कर दो, तो 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 इंटू 10। आप लोगों ने क्या निकाला है, 2.4 कॉमन निकाला है, आप लोगों ने 2.4 कॉमन निकाल लिया, और इसकी पावर 2 निकाली आप लोगों ने, पावर कितनी निकाल ली, 2 निकाली है। तो देखिए क्या क्या बचेगा आप लोग इसे जानना, देखिए 3 तो यहाँ से बचेगा बचेगा, ठीक है? अब देखना आप लोग इस 10 को भी एक काम करो, आप लोग लिख दो 5 इंटू 2 लिख लो, आप लोग 5 इंटू 2 लिख लो। तो मुझे बताइए, मैंने देखिए 12 और 1 2, क्या 12 दूना 24, 2.4 आ गया, तो एक पावर तो कॉमन यहाँ से आ गई, ठीक है? इतना आप लोगों को समझ आ गया क्या? और देखिए 12 और इस 1.2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 इंटू 0.6 ऐसा ले सकता हूँ। तो अब देखना आप लोग, क्या ये वाली पावर भी, ये वाली पावर फिर से मैंने कॉमन ले ली, 2 पावर कॉमन हो चुकी है, तो मुझे बताइए क्या बचेगा, 0.6 इंटू 5, तो 6 5 3, तो यहाँ से कितना बचेगा, 3 बचेगा आप लोगों को, कितना बचेगा, 3 बचेगा। और यही आप लोगों ने निकाला था क्या, यही आपको बच रहा था। तो मैंने 2.4 की पावर उसका मैंने जैसे कॉमन लिया से, जैसे मैंने ऐसे कॉमन ली, देखिए निकाल रखी मैंने, तो क्या बचेगा आपका, ये बचेगा 9, ठीक है? अब आपका क्वेश्चन आसान हो गया। अब देखिए ये इस पूरी पावर से आपका पूरी पावर कट जाएगी, इस पूरी पावर से ये वाली पावर कट जाएगी, तो क्या बचेगा आंसर, देखिए 1/9 यहाँ से बच जाएगा प्लस, इसको आप लोग सोल्व करोगे, ठीक है? ये भाग है आपका, और ये कितना बनेगा आपका, ये बनेगा 1/24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, यानी कि 5.76 ऐसा लिखता हूँ मैं, ठीक है? और पॉइंट टांगो तो 2 0 पर चल जाएंगे आपकी, ठीक है? इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अब देखिए, तो 1/9 × 576/100 ऐसा लिखता हूँ मैं, ठीक है? अब इसको भाग दे दो, कितने बजेगा, 9 6 54, 3 9 36/100, सॉरी 64/100, तो आंसर कितना जाएगा आपका, 0.64। तो ऑप्शन नंबर चेक करो आप लोग, ऑप्शन कौन सा आ रहा है एक बार, ऑप्शन चेक करो एक मिनट, मैं देखता हूँ एक बार, अरे कहाँ गया क्वेश्चन। तो आपके दो ऑप्शन दे रखे हैं, वो दे रखे हैं देखिए 0.4 से 0.5 के बीच में, तो मुझे आप लोग बताइए ये 0.64 किसके बीच में आता है? तो आप बोलोगे कि आपका जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन जो दे रखा है आपको, वो दे रखा है कि 0.6, ठीक है, एंड 0.7, इनके बीच की वैल्यू है गई ये 0.64। तो आपका आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन हो गया, आपका ऑप्शन जो होगा वो सी का हो गया, एकदम सही हो गया, ठीक है? तो थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला हम कह सकते हैं इसको, ठीक है? बस आपको कॉन्सेप्ट समझना था बेसिक आपको। देखिए क्वेश्चन क्या था, मैंने कुछ भी नहीं किया, आपको दिख रहा 13 3 39, मैंने क्या करा, 3 का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो आपकी ये वैल्यू तो आसान थी, ये वैल्यू तो आपने फटाफट निकाल ली, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो आप एक काम क्या करो, आपको पता है कि यहाँ से कॉमन आएगा, तो आप लोग इसको सोल्व ही मत क्या करो, ये इतना करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आप लोग चेक कर लिया करो कि 2.4 की पावर आपने जैसे कॉमन लिया, और यहाँ भी सेम बच रहा है आपका, और यहाँ भी लगभग लगभग सेम बच रहा है, तो आप लोग सोल्व मत क्या करो, आप तो काट दिया करो, जो आंसर आएगा वो देखी जाएगी फिर, ठीक है? तो आंसर कितना आ गया, 0.64 आ गया। आप लोग इस तरह सोल्व मत करो, आप तो एक बार चेक कर लिया करो, ठीक है? थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था ये वाला, और आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको समझा दिया है एक एक स्टेप खोल खोल कर मैं आपको, ठीक है? और इस क्वेश्चन का आप लोग 2 दिन बाद प्रैक्टिस करना, आपको भी समझ में आ जाएगा ढंग से, ठीक है? जब तक आप अपने हाथों से नहीं करोगे क्वेश्चन को, तो आपको आपकी प्रैक्टिस कैसे होगी, ठीक है? प्रैक्टिस क्वेश्चन की तभी होगी जब आप खुद सोल्व करने की कोशिश करोगे,
चलो अगला क्वेश्चन देखो और सोल्व करने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन जो है सोल्व करने की कोशिश करो, क्या कर रहा है देखिए। एक्स मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से इसके एक ही तरफ भूमि पर स्थित दो बिंदुओं वस्तुओं ठीक है कि अलोकित किए हुए अवनमन कोण रखें 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो वस्तु के बीच की दूरी आपको रखें 32√3। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, है ना, बिल्कुल आसान होते हैं वाले हैं इस तरीके। अगर आपका हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन आ रहा है तो आप मतलब 10 सेकेंड में कर सकते हो। कैसे, आपको तो रखा है कि एक्स मीटर ऊंचाई एक क्या है, एक्स मीटर ऊंचाई एक प्रकाश स्तंभ है ठीक है, मैंने मान लिया ये वाला। एक्स मीटर ऊंचाई क्या है आपका, प्रकाश स्तंभ है, और ये कितना है हाइट है इसकी एक्स मीटर। क्या कह रहा है, इसके शीर्ष, इसका शीर्ष ये होगा, इसके शीर्ष से इसके एक ही तरफ लेना है, मैंने इधर ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। दो वस्तु दे रखी है, मैंने मान लिया कि एक वस्तु यहाँ पर है और एक वस्तु यहाँ पर है ठीक है। और अवलोकित किए हुए अवनमन कोण, ध्यान रखना अवनमन कोण मतलब क्या होता है कि आप ऊपर से देख रहे हो, ऊपर से नीचे देख रहे हो तो अवनमन कोण बनेगा। तो देखिए आपका ये वाला जो एंगल बनेगा, ये बोल रहा है ये। और एक चीज़ रखना आप लोग, अवलंबन जो अवलंबन कोण जो होता है आपका, वो बनता कैसे है, एक्चुअली बनता तो ऐसे है, वो बनता तो आपका ऐसे है, लेकिन ध्यान रखना आप लोग ऐसे मत बनाया करो ठीक है, गंदा लगता है थोड़ा सा। आप एक काम क्या करो, आप तो नीचे बना दिया करो कोण, अवलंबन कोण और ये तो हिंदी में थोड़ा कन्फ्यूज होता है मेरे को, अवलंबन कोण आपका और एक कौन सा है आपका, कौन सा कोण था ये ठीक है, अवलंबन कोण ये तो कोई दिक्कत नहीं है ना ठीक है। और उन्नयन कोण, सॉरी है ना, उन्नयन कोण होता है वाला। तो देखिए, तो आप बात कर रहे हो अवनमन कोण की, तो इसने क्या बोला है आपसे, अवलोकित किए कोण कितने हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो ये कितना है आपका 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। अब कुछ स्टूडेंट को थोड़ी सी यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर यहाँ पर 30 डिग्री यहाँ लें या यहाँ पे लें, तो ध्यान रखना जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाओगे आपका एंगल जो है हमेशा छोटा होता जाता है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपका एंगल छोटा हो जाएगा। जैसे अगर ये 30 डिग्री 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 30, तो ये जगह का 20 या 15 कुछ भी हो सकता है, मतलब एंगल तो कोई भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे तो ध्यान रखना आपका जो एंगल होगा वो क्या होगा, कम होगा, और जैसे जैसे आप पास आओगे तो आपका एंगल जो है वो बढ़ता जाएगा ठीक है। अगर आप आगे जा रहे हो तो ये एंगल कितना आएगा 30 डिग्री आ जाएगा 60 डिग्री। और आगे क्या बोला है, वस्तुओं के बीच की दूरी जो है वो 32√3 है, ये वस्तु थी आपकी दो, इनके बीच की दूरी जो है वो रखी 32√3, ये आप लोगों को दिया हुआ है। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और समझाने की कोशिश करता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर ठीक है ना। देखिए मैंने आपको ये तो बता ही दिया था कि 30 डिग्री के सामने साइड कितनी होती है 60 डिग्री, ये तो मैंने आपको समझा दिया पिछली वीडियो के अंदर। अब देखना मैं आपको नया चीज़ और सिखाने की कोशिश करता हूँ ठीक है। अगर आपको ट्रायंगल दिया हुआ है ABC और आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं, ये दिया आपको 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, तो एक चीज़ याद रखना आप लोग, इनका जो रेशियो होगा, इनका जो रेशियो होगा ध्यान रखना 30 डिग्री का जो रेशियो होगा वो पूरा रेशियो कितना होगा आपका, वो होगा मान लो एक, 30 डिग्री जो होगा वो होगा पूरा रेशियो कितना होगा आपका, एक होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना, सॉरी सॉरी 3 होगा ना, 3, ये कितना होगा 3 होगा। 30 डिग्री से आप लोग ले रहे हो एंड से जहाँ तक इसका बेस है, जहाँ तक इसका बेस से लेकर जहाँ तक आपका एंगल बन रहा है वहाँ तक इसकी वैल्यू कितनी मानोगे आप लोग, 3 मानोगे। और 60 डिग्री बात करोगे तो जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और जहाँ तक खत्म हो रहा है ये वैल्यू कितनी मानोगे आप लोग, 1 मानोगे। यानी कि मैं कह सकता हूँ इनका जो रेशियो होता है वो होता है 1:3 होता है ठीक है ना, अलग अलग नहीं, बेस से, बेस से बात कर रहा हूँ मैं, बेस से बी छोटा वाला जो होगा 60 डिग्री वाला 1 होगा, और जो छोटा वाला होगा 30 डिग्री वाला वो कितना होगा 30 3 होगा ठीक है ना। जैसे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, देखिए फिर देखिए, जब तक आप लोग समझ में नहीं आएगा मैं आपको पक्का समझाने की कोशिश करूँगा, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आपको समझाऊँ और आपको समझ में नहीं आए ठीक है। बस आपका ध्यान बोर्ड पर रहना चाहिए हमेशा ठीक है ना, कमेंट तो आप लोग करते रहो लेकिन ऐसा नहीं कि कमेंट के अंदर ही आप लोग घुस जाओ ठीक है ना, बस एक दिन रखना बोर्ड पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए आपका। देखिए जैसे मैं कह दूंगी अगर ये एंगल आपका 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है ठीक है, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो ध्यान रखना अगर ये 30 डिग्री है तो ध्यान रखना इसका बेस कहाँ पर है, तो बेस यहाँ से स्टार्ट है, बेस यहाँ से स्टार्ट है, तो ध्यान रखना यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू होगी आपकी वे कितनी होगी 3 होगी, और यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। यानी कि 60 डिग्री का जो रेशियो होता है वो 1 होता है, और जो 30 डिग्री है उसका रेशियो जो होता है 3 होता है ठीक है। और इसमें आप लोग एक चीज़ सीखने की और कोशिश करो, मुझे बताइए यहाँ से यहाँ तक अगर आपका 3 है तो मुझे बताइए, और ये 1 है तो ये वाला बचा हुआ कितना होगा, क्या आपका ये 2 बचाया गया, तो आप लोग याद कर सकते हो कि 60 डिग्री और 30 डिग्री अगर एक ही दिशा में है तो उनका रेशियो जो होता है वो कितना होता है 1:2 होता है, ये बात आप लोग याद रखना ठीक है ना। तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दी है, अब देखना क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगी, आपको बताइए 30 डिग्री है तो ये पूरा कितना होगा 3 होगा, ये पूरा 3 होगा, ये 1 होगा, तो मुझे बताइए ये कितना होगा आपका 1 होगा, और ये कितना होगा आपका, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्यों 2 और 1 3, ये पूरा 3 है ना आपका, तो मैंने बताया था कि 1:2 में बांटता है ये 30 और 60 को,
तो मुझे बताइए 2 की वैल्यू कितनी है आपकी, 32/√3 है, ठीक है। जो 32√3 है वो 2 की वैल्यू है, आप लोगों 1 की निकाल लो, कितना जाएगा 16√3, कितना जाएगा। तो मुझे बताइए क्या ये वैल्यू 16√3 आएगी क्या, ये वैल्यू कितनी आ गई, 16√3 आ गई। अब मैंने आपको कल की वीडियो में आपको बताया था कि ये एंगल आपका 30 डिग्री होगा क्या, क्योंकि ये तो 90 है, ये 60 दे रखा है, ये कितना होगा 30 डिग्री हो गया। तो मुझे बताइए अगर 30 डिग्री के सामने साइड है वो 16√3 है, तो 60 डिग्री के सामने निकालनी है आपको। अगर आपको बड़ी वाले बड़े वाले एंगल के सामने वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करते हो, आप √3 से गुणा कर देते हो। तो आप √3 से गुणा कर दो इसको, √3 से आप जैसे गुणा करोगे, 16√3 रखा है उसके, √3 से जैसे गुणा करो कितना आएगा, 16 48 आ जाएगा आपका, तो 48 के आगे आपकी हाइट आ गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए आपको टाइम लग रहा है, आपको तो एग्जाम में तो फटाफट करना है। फटाफट कैसे करोगे, आपने तो डायग्राम बनाना है तुरंत ही, ये हाइट एक्स है, ये आपका 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और आपको पता है ये वाली वैल्यू कितनी रखी, 32√3 दे रखी है, ये वैल्यू कितने की आपकी, 2 की है, तो 1 की निकाल लोगे 16√3, और आपको पता है कि 30 के सामने 16 है तो 60 के सामने कितना जाएगा, 48। बस 5 सेकेंड ऐसे लगने चाहिए आप क्वेश्चन के अंदर, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए आपको टाइम लग रहा है, ठीक है ना। और किसी को ये समझना है कि 30 डिग्री सामने कैसे साइड कैसी होती है, 60 डिग्री सामने कैसे निकालेंगे, तो आप लोग मेरा पिछला वाला वीडियो देखने, एक बार पिछला वाला वीडियो देखना, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से समझाया बेसिक से मैंने आपको, तभी तो मैं कहता हूँ कि आप रेगुलर रहो, जब मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ तो आप रेगुलर रहा करो, ऐसे नहीं कि एक दिन आ रहे हो एक दिन छोड़ रहे हो। उससे क्या है, मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको किसी वीडियो में सिखाऊंगा, कुछ नए कॉन्सेप्ट मैं कौन सी वीडियो में सिखा दूँ ये आपको पता नहीं पड़ेगा। अगर आप रेगुलर होगे आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, पक्का सीखने को मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। चलो देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन आपका सीआई का क्वेश्चन है, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, और देखते हैं कौन कौन इसको कर पाता है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, मुझे लगता है कि ये 90% लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, बाकी मैं इसको बता ही देता हूँ क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है आपको, क्या कह रहा है, देखिए 5,000 रुपये जो हैं आपके, 5,000 रुपये जो हैं वो 8 साल के अंदर कितने जाते हैं आपके, ये हो जाते हैं 7,200 रुपये जाते हैं, कितने जाते हैं, 7,200 रुपये जाते हैं। ध्यान रखना ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो क्वेश्चन आसान था। ध्यान रखना ये सीआई पर है, किस पर है, सीआई पर है, और आपसे बोला है कि 4 वर्षों में जो है, 4 वर्षों में जो है 6,550 रुपये जो है वो 4 साल बाद इस पर कितना सीआई मिलेगा, कितना ब्याज मिलेगा, ये आपसे पूछा है। तो देखिए जैसे कि आपको पता होना चाहिए, आपको वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि आपको पता होगा क्या, जो अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है, जो अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पहली बात तो पता होना चाहिए अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप कहोगे पी इंटू 1+R/100 की पावर होता है टी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ a/p बराबर 1+R/100 की पावर टी, ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, अब देखना है, मैं ऐसा लिखता हूँ क्या, आपका ये प्रिंसिपल था, ये बन गया अमाउंट, ठीक है ना, 8 साल बाद। तो मैं अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल लिख रहा हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ कि 7,200/5,000 बराबर 1+R/100, और पावर कितनी है, टाइम कितना आपका, 8 साल है, ये आप लोगों को पता लग गया क्या, ठीक है। तो अब देखिए अगर मैं 2 0 से 2 0 काट दूँ, और 2 से काट दो ये 36 बार, 2 से काट दो ये 25 बार, तो आप लोगों को पता लग गया कि 1+R/100 की पावर 8 की वैल्यू कितनी आ गई, 36/25 आ गई। अगर मुझे पावर आधी चाहिए, अगर मुझे पावर आधी चाहिए, मुझे 1+R/100 की पावर 4 चाहिए। 4 क्यों चाहिए, क्योंकि 4 हमसे लास्ट में क्वेश्चन ने पूछा है कि 4 वर्षों में आपको ब्याज निकालना है, तो 4 वर्षों को मैंने निकाल लिया। तो अगर मुझे 4 की वैल्यू चाहिए तो कितनी आएगी, 36/25 है आपका, तो क्या कर दोगे, इसका रूट निकाल लोगे। अगर मैंने क्या करा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दिया है, मैं लिख देता हूँ, मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ क्या कर दिया है, स्क्वायर रूट कर दिया मैंने, ठीक है ना, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, तो इधर क्या बनेगा, बताइए 6/5 ही बनना है क्या, 6/5। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 देता आप लोग, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, इसी ब्याज दर पर, इसी ब्याज दर पर आपको रेट आपकी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 वर्षों में आपको 6,500 रुपये की धनराशि पर कितना आपको सीआई मिलेगा। तो मुझे बताइए आपको जैसे पता है कि 6,550 रुपये, ठीक है, और इस पर आपको क्या निकालना है, 4 वर्षों में निकालना है, ठीक है। और सपोज़ करो कि अमाउंट कुछ हो गया, अमाउंट मैंने मान लिया कुछ भी हो गया, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं आप लोग अमाउंट, तो आपको पता है कि अमाउंट अपॉन क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, आपको पता होना चाहिए कि अमाउंट अपॉन क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। तो आप लोग कैसे निकालते हो,
तो मुझे आप लोग बताइए, जैसे मैंने आपको बताया, एक मिनट इसको मैं बता देता हूँ एक बार। जैसे अगर मैं यहाँ से, मैं अगर मुझे CI निकालना है, ये तो आपका अमाउंट निकाल गया, अगर मुझे CI निकालना है तो CI कैसे निकालेंगे, मैं क्या कर दूंगा इसमें से, मैं प्रिंसिपल माइनस कर दूंगा, तो P इंटू 1 + R/100 की पावर कितने देगी, T आ जाएगी, इतना आपको समझ में आ जाएगा। और अगर मैं ऐसे P कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा आपका, 1 - 1 - 1 + R/100 की पावर T, क्या इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या। तो मुझे अगर CI निकालना है, अगर मुझे CI निकालना है तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, प्रिंसिपल कितना आपका 6,550 रुपये है, ठीक है। 1 - रेट आपकी सेम है क्या, तो 1 + R/100 की पावर T, T कितना आपको 400 दे रखा है, 4 वर्ष में निकालना है CI आपको, ठीक है, ये मैंने निकाल लिया। और अब आप लोगों को पता है कि 1 + R/100 की पावर 4 की वैल्यू जो है वो कितनी है, 6/5 है, तो मैं यहाँ वैल्यू रख दूंगा यहाँ पर, मैं क्या रख दूंगा, वैल्यू रख दूंगा, तो 6,550 इंटू, अब देखिए यहाँ पर क्या रखोगे आप लोग, यहाँ पर रखोगे एक, सपोज करो एक दो में 6,550 इंटू 1 - कितना है, 6/5, तो 6/5 सोल्व करोगे तो कितना बचेगा आपका, ये बताइए, 5 उल्टा कर दीजिएगा, मैंने ये कुछ गलती कर दी क्या, सॉरी एक मिनट है ना, एक मिनट, छोटी सी गलती हो गई मेरे से। देखिए ये फोन लेना आपका, ये मैंने थोड़ा सा गलती लिख दिया मैंने, सॉरी इसके लिए ना, सॉरी फॉर दैट। देखिए अगर आपको CI निकालना है, आप लोगों को CI निकालना है, तो ये क्या बनता है आपका, अमाउंट बनता है। CI जो है कैसे निकालते हैं, अमाउंट में से घटाते हैं प्रिंसिपल, मैंने उल्टा कर दिया था गलती से। तो आप लोग क्या करोगे, P यहाँ से कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, 1/100 की पावर T, माइनस से क्या आएगा आपका, 1, ये बनता है आपका, मैंने उल्टा लिख दिया ठीक गलती से। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका, देखिए 6 की पावर 5 - 1, ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब इसको सोल्व करोगे कितना बनेगा आपका, ये देखिए 5 1/5 बनेगा, क्या बनेगा, 1/5। अब इसको सोल्व कर लो आप लोग, कितना बनेगा, देखिए 13 रुपये कट जाएगा 5 से, और ये बन जाएगा 13 से 10, तो आपका CI कितना आ गया, 13 से 10 रुपये। तो ऑप्शन नंबर D आपका एकदम सही आंसर है। देखिए आसान सा क्वेश्चन था, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ क्या था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था इसके अंदर अच्छा वाला। तो क्या था, देखिए 5,000 रुपये जो है वो 8 साल के अंदर रहते हैं 7,200 रुपये, CI की रेट से ध्यान करना, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने एक फैक्टर निकाल लिया कि 1 + R/100 की पावर 8, आपको पता है कि अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो P इंटू 1 + R/100 होता है, और मैंने A/P निकाल लिया, मैंने A/P निकाल लिया तो कितना आ गया, 1 + R/100 की पावर 8 आ गया, मैंने सोल्व किया तो कितना आ गया, 36/25 आ गया। मुझे तो पावर 4 ही चाहिए, तो मैंने 4 निकाली, मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ कर दिया स्क्वायर रूट, तो 1 + R/100 की पावर 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 6/5 आ गई, ठीक है। और फिर मैंने क्या कर दिया, आपको CI निकालना है, तो CI का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 + R/100 की पावर T - 1, तो मैंने यहाँ वैल्यू रख दी और आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपको अगर कोई भी क्वेश्चन अच्छा बनता है, याद रखना हमेशा आप लोग शॉर्ट ट्रिक पर मत पढ़ना, शॉर्ट ट्रिक आपको आनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना, आनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग बेसिक भूल जाओ, बेसिक तो आपको आना ही आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर बेसिक ही काम आया आपका, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको रेट ही नहीं दी होगी तो आप इसमें कैसे निकालोगे CI परसेंटेज, रेट परसेंटेज। तो मैं कहता हूँ कि आपको बेसिक जरूर आना चाहिए, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो नया क्वेश्चन भी आप लोग सोल्व कर पाओगे, ठीक है। और साथ के अंदर पेन कॉपी लेकर चला करो, बैठा करो, और फिर इसको सोल्व करने की कोशिश क्या करो, ताकि आपका खुद का भी दिमाग चलना स्टार्ट हो एक बार, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो और सोल्व करने की कोशिश करो, और एक आसान सा क्वेश्चन है वाला भी, आसान सा क्वेश्चन है, सोल्व करने की कोशिश करो उसको। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक वृत्त के बाहर एक बिंदु P स्थित है, मैंने एक सर्कल बना लिया आपका, ये सर्कल बनाने मैंने, और सर्कल के बाहर जो है एक बिंदु स्थित है P, ये बिंदु P स्थित है, जो कि वृत्त के केंद्र से 26 मीटर की दूरी पर है, 26 सेंटीमीटर ना, 26 सेंटीमीटर क्या है ये दूर है, कहाँ से, वृत्त के केंद्र से। तो P से खींची गई एक प्रतिच्छेदी रेखा PAB जो है वृत्त को A और B पर काटती है। तो देखिए ये क्या है, आपकी प्रतिच्छेदी रेखा है जो कि P से गुजर रही है आपकी, और ये A और B पर काट रही है, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, PB बराबर दे रखा है 32, PB जो दे रखा है वो 32 दे रखा है, PB का जो मान दे रखा है वो आपको 32 दिया हुआ है, और PA का मान जो दे रखा है वो 18 दे रखा है,
पी ए का मान जो है वो आपको 18 दिया हुआ है, तो आप लोगों को निकालना है कि इसकी रेडियस कितनी होगी, आप लोगों को निकालना है कि रेडियस कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए कैसे कर पाएंगे इस क्वेश्चन को सोल्व आप लोग, तो एक काम करो, इस जो सेंटर है आपका ओ, इसको आगे मिला दो आप लोग, इसको क्या कर दो आप लोग, आगे मिटा दो, ठीक है। और ध्यान करना जो 26 वैल्यू दी है आपको, यहाँ से यहाँ तक है ना, ये 26 जो वैल्यू है वो यहाँ से यहाँ तक दी हुई आप लोग। तो आप लोग मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ से निकालूँ, अगर मैं इस पॉइंट को मान लूँ, क्या मान लूँ बताइए, डी मान लेता हूँ इस पॉइंट को, अगर मैं इस पॉइंट को डी मान लूँ तो मुझे बताइए पी से डी तक की वैल्यू कितनी होगी, पी से डी तक की वैल्यू कितनी होगी बताइए। तो मैं कह सकता हूँ कि 26, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितनी है आपकी, 26 है, और ये रेडियस कितनी आ रहा है, और ये भी रेडियस आ रहा है यहाँ से तक, तो मुझे बताइए यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 26। अगर मैं 26 में से ये आर माइनस कर दूँ, यहाँ से यहाँ तक कितनी 26 है, और 26 में से अगर मैं ये आर माइनस कर दूँ तो क्या यही बचेगी क्या, तो 26 में से मैं आर माइनस कर दूँगा तो मुझे बताइए क्या आपकी पी डी की वैल्यू आ जाएगी क्या, तो आपकी कैसी वैल्यू आ गई, पी डी की वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। वैसे मैं क्या करूँ, अगर मुझे पी, इसको नाम दे दूँ मैं और ई, अगर मुझे पी ई की वैल्यू चाहिए, अगर मुझे पी ई की वैल्यू चाहिए तो मुझे बताइए यहाँ से यहाँ तक कितनी आपकी, 26 है, और अगर मैं इसमें आर और जोड़ दूँ क्या ये पूरी वैल्यू आ जाएगी आपकी, तो ये कितनी आएगी, 26 प्लस आर आ जाएगी। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब तो आपको फॉर्मूला पता ही होगा, फॉर्मूला क्या होता है आपका, पी से फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटू पी बी बराबर क्या होता है, पी डी इंटू पी ई, ये आपको फॉर्मूला पता होगा ये वाला, तो ठीक है ना, और इतना तो आपको आना ही चाहिए। तो पी ए का मान कितना रखोगे आप लोग, पी ए का मान रखोगे 18, और पी बी का मान कितना है 32, और पी डी कितना है आपका 26 माइनस आर, और पी ई कितना है आपका 26 प्लस आर। सोल्व कर लो कितना आएगा, 18 इंटू 32 बराबर, इसको देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ऐसा लिखता हूँ 676 माइनस का आर स्क्वायर। अब एक काम करो आप लोग, इसको गुणा करो पहले, तो कितना आएगा ये 18 दोनों 36 का 6 3 बचेगा 18 तीन 54, ठीक है ना, 54 और 3 कितना आ गया 57, ठीक है, कितना आ गया 576 बराबर है कितना, 676 माइनस का आर स्क्वायर। तो देखिए सोल्व करोगे आप लोग तो आर स्क्वायर कितना जाएगा आपका 100 आ जाएगा, और सोल्व करोगे तो आर का मान कितना जाएगा 10 आ जाएगा। आप कुछ सोच सकते हैं कि सर आर का मान तो प्लस माइनस 10 होगा, तो ध्यान रखना त्रिज्या भी माइनस में नहीं हो सकती, ठीक है ना, कुछ ना कुछ तो उसकी रेडियस होगी होगी। क्या आप माइनस का बना सकते हो सर्किल कोई, मतलब कुछ भी मानोगे आप लोग तो कुछ ना कुछ तो रेडियस होगी उसकी, एक पॉइंट एक पॉइंट डेसी वन डेसी मीटर के अंदर, ठीक है, डेगा मीटर, मतलब कुछ ना कुछ तो उसकी रेडियस होगी, तो माइनस में तो हो नहीं सकते, ठीक है। तो एक आसान सा क्वेश्चन था ये वाला, देखिए आपको करना कैसे है, मैंने क्या किया क्वेश्चन में, आपको डायग्राम बना ली, पहली बात तो आपने डायग्राम बना लिया, पीछे कोई बिंदु है जो ए और बी पर काटता सर्किल को, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस ओ को मैंने आगे बढ़ा दिया, इस बिंदु को मैंने रेडियस निकाल लिया आपकी। तो देखिए पी डी, पी डी आपका कितना है आपका, ये आपको निकालना है पी डी, आप क्योंकि फॉर्मूला होता है आपका पी ए इंटू पी बराबर होता है पी डी इंटू पी, तो पी डी मुझे निकालना है, तो मुझे बताइए यहाँ से यहाँ तक जो आपकी वैल्यू कितनी है, 26 है, और 26 में से अगर मैं ये आर माइनस कर दूँ, रेडियस माइनस कर दूँ, तो आपकी ये बचेगी क्या, तो 26 माइनस आर तो ये बचेगी आपकी। वैसे अगर मुझे पी ई की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा, 26 है, वो पूरा चाहिए तो इसमें आर और जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, पी ई आ जाएगा, फिर तो आप लोग फॉर्मूला लगा लोगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो फटाफट से, अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, क्या कर रहा देखिए। रेलगाड़ी ए जो है आपकी, ए की चाल रखी है, रेलगाड़ी बी की चाल से 16 किलोमीटर पर आवर कम है, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहा है, ये बात कर रहा है चाल की, ठीक है, एस वन और एस टू की बात कर रहा है। तो क्या कर रहा है, रेलगाड़ी ए, ए की चाल है और बी की चाल निकालनी है आपको, ठीक है। ये रेलगाड़ी ए है, ये रेलगाड़ी बी है, क्या कह रहा है ये, ए की चाल बी की चाल से कितनी, 16 किलोमीटर कम है, 16 किलोमीटर कम है, किसकी चाल से, बी की चाल से, ठीक है। अगर देखिए अगर मैं इसकी चाल मान लूँ कितनी, अगर मैं इसकी चाल मानता हूँ एस, तो इसकी कितनी होगी बताइए, इसकी बताइए, इसको एस वन एस टू मानना आप लोग, है ना, ये मान लेता हूँ मैं चाल स्पीड। अगर बी की चाल में एस मान लूँ तो मुझे बताइए ए की चाल कितनी होगी, तो आप कहोगे कि 16 किलोमीटर पर आवर क्या है, कम है, तो एस माइनस आएगा, है ना, एस माइनस 16 जाएगा, इतना आप लोगों को पता लग गया होगा। आगे क्या कर रहा है, और ए की तुलना में 4 घंटे कम समय लेती है कौन, बी रेलगाड़ी। अगर मैं बात करूँ टाइम की, तो क्या कर रहा है ये, रेलगाड़ी बी जो है वो कम लेती समय, रेलगाड़ी बी जो है वो कम लेती है,
ठीक है, तो ये टाइम कितना ले रही है आपकी? अगर मैं मान लूँ कि अगर ये टी टाइम ले रही है, अगर ये जो है टी टाइम ले रही है, तो ये कितना टाइम लेगी? टी माइनस का 4 लेगी, ठीक है ना, 4 घंटे कम ले रही है ए की तुलना में, कौन? बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आपको निकालना है कि बी की चाल निकालनी है, यानी कि आपको एस की वैल्यू निकालनी है, ये क्वेश्चन है। और आपको जो डिस्टेंस दी हुई है, डी दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है? 384 किलोमीटर। तो एक चीज़ याद रखना आप लोग, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ये वाला, अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा है ये वाला कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, वो होता है आपका एंड S1 माइनस S2, ये मैंने मोड लगा दिया, ठीक है ना, सॉरी सॉरी 1 मिनट ना, आज पता नहीं गलती क्यों हो रही है। आपको जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? S1 इंटू S2 बटे इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस लेंगे इनटू टाइम का डिफरेंस, ये क्या होता है? आपकी डिस्टेंस होती है। ये आप लोगों को पता है या भाई, दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों स्पीड का क्या लेंगे आप लोग? डिफरेंस लोगे इनटू टाइम का डिफरेंस, ये आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा और ये डिस्टेंस के बराबर होता है। तो यही मैं क्या लगाता हूँ, फोन लगाता हूँ, तो डिस्टेंस कितनी है आपकी बताइए? डिस्टेंस आप बोलोगे कि 384 क्या आपकी डिस्टेंस है, और दोनों चालों का गुणनफल, तो मुझे बताइए क्या इसको मैं ऐसे लेता हूँ कि एस इंटू एस माइनस 16, ठीक है, गुणनफल लिख दिया, और बटे इनका डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना है? 16 का डिफरेंस है, इनटू टाइम का डिफरेंस, तो टाइम का डिफरेंस कितना है बताइए? 4 घंटे का डिफरेंस है दोनों का, तो 4 घंटे का क्या है? टाइम का डिफरेंस दे रखा है आप लोगों को। अब आप काम करो, उसको सोल्व करने की कोशिश करो, तो 4 से काट दो ये 4 बार, ठीक है, तो कितना बनेगा देखिए, इसको सोल्व करो तो आपका जाएगा एस एस माइनस 16, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 400 को 16, ठीक है ना, 1 4 8 32 और 1 33, 3 4 3 12 और 3 15, तो कितना जाएगा? 1536 आ गया आपका। अब आपको फ्रैक्शन में तोड़ना है इसको, अब आपको इसको फ्रैक्शन में तोड़ना है, तो आपको पता है कि देखिए, अब आप एक काम क्या करो, ऑप्शन चेक किया करो आप लोग, आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कितने? 48। अब ऐसे नहीं कि यहाँ पर लगाना जाओ एस स्क्वायर माइनस 16 एस, ऐसे भी हो जाएगा लेकिन आपको टाइम लग जाएगा, आप लोग सीधे धरे चिर लगाओगे फॉर्मूला। तो देखिए आप लोग ऑप्शन आपके पास हैं तो ऑप्शन यूज़ में लिया करो आप लोगों ना, तो ऑप्शन क्या रखें? 32, सी रखा है 50 और डी रखा है कितना? 45। तो मुझे बताइए, अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ 48, मैं पहला ऑप्शन ही चेक करता हूँ कितना? 48, तो मैं रख के देखता हूँ, एक काम करता हूँ, वो 48 किसकी वैल्यू है? रेलगाड़ी बी की चाल है, रेलगाड़ी बी की चाल है, तो मुझे बताइए क्या एस की वैल्यू है क्या? तो एस की वैल्यू अगर 48 है और एस माइनस 16 करो अगलो, तो 48 में से आप लोग 16 माइनस करोगे, तो यहाँ लिख दे दो, पूरा कर देता हूँ सोल्व आपके लिए एक बार में, तो 48 इनटू देखिए माइनस करो कितना आएगा, ये 2 बनेगा क्या और ये बनेगा 3, क्या इनको गुणा करने पर ये बन रहा है क्या देखिए आप लोग, तो आप गुणा करोगे तो ये बनेगा आपका 1536, यानी कि जो हमने वैल्यू रखी है वो सही है, यानी कि जो मैंने वैल्यू रखी है 48 वो क्या है आपकी? एकदम सही है। तो आपको क्या रखना है? आपको ऑप्शन से जाना है, आपको क्या करना है? ऑप्शन से रखना है, आपको ये ऑप्शन आपका सही आंसर है, तो ध्यान रखना, आपको जब ऐसे यहाँ पर पहुँच जाओ लास्ट स्टेज के अंदर, तो आप कैलकुलेशन देखे घबराना नहीं है आप लोगों को, आपको कैलकुलेशन देखे घबराना नहीं है, आप लोगों ने इतनी मेहनत कर दी है तो थोड़ी सी मेहनत और कर लिया करो, दिमाग लगा के ऑप्शन चेक कर लिया करो आप लोग, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला था, इसमें कोई समझाने की जरूरत है नहीं आप लोगों को। और ये क्वेश्चन भी आपको 10 सेकंड का ही याद नहीं है, कैसे आपको दे रखा है? कैसे रखा था आपको? एस आपको डायरेक्ट लिखना है, 16 किलोमीटर कम है तो एस माइनस 16, डिफरेंस कितना क्या? 16, टाइम का डिफरेंस 4, बराबर दे रखा कितना? 384। सोल्व कर लो, आपकी वही वैल्यू आएगी, बस इतना ही लिखना है आपको एग्जाम के अंदर, तो एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिखना है, वो तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं आपको पूरा लिखना पड़ता है मुझे मजबूरी के अंदर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, और आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आप लोग पढ़ोगे और सोल्व करो। एलजेब्रा का क्वेश्चन है और एक अच्छा क्वेश्चन है, एलजेब्रा का क्वेश्चन है और एक अच्छा क्वेश्चन है, और इसके अंदर भी आपको कुछ नया सिखाने की कोशिश करूँगा मैं आप लोगों को। आपको जब भी कोई नया क्वेश्चन आएगा मैं आपको 100% कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा, और 100% आपको बेनिफिट होगा, चाहे आपको कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप लोग, ठीक है। तो देखिए आपको दे रखा है 8x/2x2² प्लस का 7x माइनस का 2 बराबर का 1, ठीक है, और x की वैल्यू जो है वो आपको 0 से बड़ी लेनी है, और आगे पूछा गया आपसे, आपने पूछा है कि x³ + 1/x³ का मान आप लोगों को निकालना है, ठीक है। तो कैसे कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन को सोल्व? तो देखिए पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो आप लोग,
जैसे कि आपको पहले तो पता होना चाहिए कि अगर आपको एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू चाहिए तो आपके पास वन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू होनी चाहिए। अगर आपके पास एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू है तो आप इससे ये आराम से निकाल पाओगे। आप लोग पता होना चाहिए ये कैसे निकालोगे। जैसे मान लिया, अगर मैंने ये पी मान लिया तो ये कितना जाएगा आपका पी क्यूब माइनस का थ्री पी हो जाएगा। लेकिन आपके पास इसका मान तो होना चाहिए ना, आपके पास ये मान होगा तभी तो निकाल पाओगे आप लोग। तो ये मान आपके पास नहीं है तो इससे निकालो आप लोग। तो सोल्व करो उसको। तो देखिए सोल्व करेंगे तो देखिए एट एक्स बराबर टू एक्स स्क्वायर प्लस का सेवन एक्स माइनस का टू आ गया आपका। इसको एट एक्स को इधर ले जाओ तो क्या बनेगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस का टू बराबर जीरो आ गया। अब एक काम करो आप लोग, एक्स का भाग दे दो। एक्स का आप लोग भाग दोगे तो क्या बनेगा, देखिए एक्स का आप लोग भाग दोगे तो क्या बनेगा देखना आप लोग, है ना। टू एक्स माइनस का वन और माइनस का वन बराबर क्या जाएगा जीरो, वन अपॉन एक्स भी आएगा ना ये, ठीक है टू अपॉन एक्स सॉरी। तो अब देखो टू एक्स और टू अपॉन एक्स में से क्या रहा है आपका, दो कॉमन आ रहा है तो एक ऐसे ले सकते हो क्या, टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स और इस एक को उधर ले जाओ आप लोग प्लस में जाएगा। तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, वन आ गई। अब आपके पास x माइनस वन ओपन एक्स की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें तो x प्लस वन ओपन एक्स चाहिए क्या, हमें तो क्या चाहिए x प्लस वन ओपन एक्स चाहिए। तो एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ, एक बार देखना, एक चीज़ आप लोग याद रखना कि x प्लस वन ओपन एक्स का होल स्क्वायर, x माइनस वन ओपन एक्स का होल स्क्वायर, इनका जो डिफरेंस होता है वो हमेशा चार के बराबर होता है। आप लोग सोल्व कर लेना या फिर सोल्व करोगे, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी करोगे तो एक्स एक्स कट जाएगा आप लोगों का, कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आएगा, दो बचेगा ओनली, यहाँ से कितना बचेगा, दो बचेगा आप लोगों को, यहाँ से भी अभी आपका दो बचेगा माइनस का, ये नहीं है आपका प्लस का है। तो जैसे आप लोग सोल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, चार आएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। जैसे मैं क्या समझा रहा हूँ, अगर आपके पास एक्स प्लस वन ओपन एक्स की वैल्यू कितनी निकालनी है आप लोगों, और एक्स माइनस वन ओपन एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है इतनी है, एक बटे दो आई है ना, एक बटे दो है। क्या समझा रहा हूँ मैं, देखिए अगर आपको x प्लस वन अपॉन एक्स इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, एक बटे दो बराबर कितना होगा, चार। तो निकाल लीजिए x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर कितना जाएगा आपका, चार प्लस एक बटे चार, यही आएगा क्या। एक काम करो, चार प्लस एक बटे दो का होल स्क्वायर लिखो, मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ लोगों को। और आप लोग इसका एक्स प्लस वन अपॉन एक्स निकालना है तो स्क्वायर हटा दो, ऐसे उसका लगा दो रूट लगा दो। अब मैं आपको समझाने क्या कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों को ये भी याद नहीं रखना है, आप लोगों को तो ये भी एक बार दिमाग में रखना है, ये वाली चीज़ें याद रखनी है आप लोगों को सिर्फ, बाकी आपको एग्जाम में क्या करना है आप लोगों को, आपको डायरेक्ट लगाना है। क्या समझा रहा हूँ मैं, देखिए आप लोगों को, अगर आपको पास एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू रखी है और आपको एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी है तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको इस संख्या का स्क्वायर करना है और इसमें चार ऐड कर देना है। देखिए क्या समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को, फिर देखिए जैसे आपको x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू रखी है p और आप लोगों को x प्लस वन अपॉन एक्स की निकालनी है तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, इसका तो स्क्वायर कर देना है और प्लस का चार कर देना है, प्लस का चार कर देना है और इसका क्या निकाल लेना है, रूट निकाल लेना है। ठीक है समझ में आया आप लोगों को, यहाँ पर आप लोगों को प्लस निकालना है तो प्लस मैंने कर दिया। अब आपको क्या देगा, अब सपोज करो आप लोगों को, ये तो आपको ये था, अगर आपको x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दे दी कितनी, मैंने मान लिया q दे दी आपको, ठीक है, और आपको x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालोगे, इसका तो स्क्वायर करना है आप लोगों को और माइनस चिन्ह यहाँ पे तो माइनस कर दो, माइनस का चार और अंडर रूट ले लो आप लोगों को, ठीक है ना। तो जी चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, चाहो तो इसमें वैल्यू रख के सोल्व कर लो तब भी आपका वही आएगा, या फिर आप लोग डायरेक्ट भी याद रखते हो, आपको इस तरीके से आपको एग्जाम में सोल्व करना है इसको, ठीक है। आप देखना मैं आपको समझाता हूँ फटाफट से, मैं आपके सारे के सारे बेसिक पॉइंट क्लियर कर दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। देखिए जैसा आपको पता है मैं क्या समझा रहा हूँ आप लोगों को, इतनी देर से एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी रखी है, एक बटे दो रखी है और आपको एक्स प्लस वन अपॉन एक्स निकालना है पहले तो मुझे बताइए मैं क्या करता हूँ, इसका तो स्क्वायर करेंगे पहले तो, क्या करेंगे इसका तो स्क्वायर करेंगे यानी कि एक बटे चार, और प्लस निकालना तो प्लस चार ऐड कर देंगे। तो सोल्व करोगे कितना आएगा, देखिए यह आ जाएगा सत्रह बटे चार, आ जाएगा नहीं आएगा सत्रह बटे चार। तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का मान कितना आ गया आपका, अंडर रूट सत्रह बटे दो, या गया क्या। और आपको निकालना है क्यूब, निकालना है तो क्यूब कैसे निकालोगे, अभी मैंने बताया कि फॉर्मूला लिख रहा था ऊपर ही आपके सामने ही है, इसका तो क्यूब करना है आप लोगों को, और क्यूब करोगे तो कितना बनेगा ये, सत्रह अंडर रूट सत्रह बटे आठ, और माइनस का करना है थ्री पी, तीन इंटू संख्या कितनी है आपकी, अंडर रूट सत्रह बटे दो, ठीक है। अब देखो इसको आप लोग सोल्व कर लेना, आप लोग सोल्व करोगे
तो कितना बनेगा देखिए, सॉल्व भी कैसे करना है देखिए, आपको पता है देखिए ये तीन ऊपर है ना, यहाँ पे तीन ऊपर है ये, देखिए यहाँ पर आठ है, इसको भी आठ बना लो, काम करो इसको क्या कर दो, चार से गुणा कर दो, चार से गुणा करोगे तो देखिए मैं आपको समझा, हर चीज़ में आपको समझाऊंगा कि कैलकुलेशन कैसे करनी है आप लोगों को। चार दिया 12, √17/4 × 8। अभी मैंने ये क्या कर दिया, मैंने बेस सेम कर दिया, इससे क्या फ़ायदा होगा आपको, आप इसको भूल जाओ, 17 में से 12 गया तो कितना बचेगा, 5/8 √17, वरना आप एलसीएम लोगे फिर सोल्व करोगे, तो आप ये चीज़ें दिमाग में भी कर सकते हो आप लोग, है ना। तो आसान सा क्वेश्चन था, मैंने क्या कर दिया, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स निकाल लिया 1/2, एक्स प्लस ऑफ निकालना है तो क्या करना है, इसका तो स्क्वायर करना है और प्लस का 4 करना है, या प्लस है तो प्लस 4 कर दिया, और आपको क्यूब निकालना है तो क्यूब निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, PQ-3P, मैंने लगा दिया और आपका आंसर आ गया। ठीक है, और थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करो आप लोग, वीडियो को ना लाइक शेयर करते रहा करो, और अपने दोस्तों को बताओ उसके बारे में, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे आप लोगों को मज़ा आएगा पढ़ने के अंदर। ठीक है, और जितने भी आपके दोस्त वगैरह हैं उनसे बोलो कि यार चैनल को सब्सक्राइब कराओ, ठीक है, ताकि मेरा भी थोड़ा सा हौसला बढ़े पढ़ाने का। देखिए क्वेश्चन पढ़ा लगा आपको ना, क्या करा देखिए, एक वस्तु को 1100 रुपये में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ इसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने वाले हानि के 3 गुना है, तो 12.5% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा। देखिए चलो इस क्वेश्चन के बाद सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग, इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो फटाफट से, देखते हैं कितने का आंसर आता है। आप सोल्व करने की कोशिश करो, जितना मैं थोड़ा सा क्वेश्चन ले देता हूँ, ठीक है, ओके, आंसर आ जाना चाहिए जितना मैं लिखता ही फटाफट से। चलो बस इतना ही टाइम मिलेगा आप लोगों को। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए एक वस्तु को 1100 रुपये में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ इस वस्तु को 700 रुपये में बेचने वाली हानि का क्या है, 3 गुना है। तो देखिए आपको पता है कि लॉस जो है आपका, लॉस अगर मैं एक्स मानता हूँ तो प्रॉफिट कितना होगा, 3 लाख, इसने खुद ने बोला ये चीज़, पढ़ लीजिए आप लोग ऐसे कि 1100 रुपये को बेचता है तो लाभ जो होगा वो 700 रुपये बेचने पर होने वाले हानि का क्या है, 3 गुना है। तो देखिए कैसे लिखते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए अगर आपको एग्जाम में बैठे हो तो आप फटाफट कैसे करोगे, 1100 होने वाला लाभ, लाभ कितना है आपका 3x, तो माइनस कर देंगे 3x, और 700 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि का क्या है, 3 गुना है, तो हानि कितनी मानी है अपने, एक्स मानी है, तो क्या कर देंगे, प्लस एक्स कर देंगे। सोल्व कर लो कितना आएगा, देखिए 400 बराबर आ जाएगा, कितना देगा, 4x, ठीक है, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और एक्स का मान आप 100 यहाँ रखोगे, एक्स का मान यहाँ रखोगे 100, तो देखिए आपको क्या जाएगा, CP आ जाएगा, ठीक है ना, ये CP की वैल्यू है ना, CP की वैल्यू है वाली, तो 100 रखोगे तो कितना जाएगा, देखिए CP का मान आ जाएगा कितना, 100 300 करोगे कितना जाएगा, 800। और आपसे क्या कह रहा है कि इसको 12.5% लाभ पे बेचना है, यानी कि एक तो आपको पता होना चाहिए कि 12.5% कितना होता है, 1/8 होता है, और नहीं पता तो निकाल लेना, ऐसा घबराना नहीं कि आपको याद नहीं है तो आप घबरा जाओ, घबराना नहीं आप लोगों को। तो मुझे बताइए 800 रुपये की चीज़ है उस पर आप 1/8 का लाभ दोगे, तो मुझे बताइए कि आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे क्या, तो 100 रुपये का लाभ हो गया आपका, 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो ये क्या आ गया आपका, प्रॉफिट आ गया, और प्रॉफिट अगर 100 रुपये है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा बताइए, 800 रुपये तो CP था प्लस 100 रुपये प्रॉफिट हो गया, तो कितना आ गया, 900, आंसर कितना आ गया, 900। आसान सा क्वेश्चन था ये वाला। अब कुछ स्टूडेंट को देखिए मुझे बताया कि आपको कहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आपको पता होगा कि मैंने ये लाइन कैसे लिख दी, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन मैंने कैसे लिख दी, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। अब फिर देखिए आप लोग क्या मुझे बताइए, 1100 क्या था आपका सेलिंग प्राइस था क्या, 1100 क्या था आपका सेलिंग प्राइस था, सेलिंग प्राइस क्या था आपका 1100 रुपये था, दूसरा जो सेलिंग प्राइस था वो क्या आपका 700 रुपये था क्या, 700 रुपये था, और क्या कह रहा था ये, प्रॉफिट आपका 3x था और लॉस कितना था, एक्स था। तो मुझे बताइए पहले तो आप लोग क्या CP जो होता है आपका, पहले बताइए कि आपका जो लॉस होता है वो क्या होता है, लॉस क्या होता है आपका, लॉस कब होगा आपको, जब आपका जो सेलिंग प्राइस है, सॉरी आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो कम होगा और सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, तभी लॉस होगा क्या, ये आपको पता है। और बताइए प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट कब होगा बताइए, जब आपका सेलिंग प्राइस तो ज़्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस का होगा कम होगा, यानी कि CP अगर बड़ा है तो लॉस होगा और SP बड़ा है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ये तो आपको पता होगा इतना तो, है ना, इतना तो आप लोगों को पता होगा। तो देखिए अब मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, तो मुझे बताइए, मुझे तो CP निकालना है, तो CP यहाँ से निकालूंगा, तो बताइए क्या आएगा,
यहाँ से अगर मैं सीपी निकालूंगा तो सीपी क्या आएगा बताइए, एसपी, ठीक है ना, एसपी इधर जाएगा, प्लस का जाएगा, लॉस आ जाएगा। और अगर मुझे प्रॉफिट से निकालना है तो बताइए, अगर मैं यहाँ से सीपी निकालूंगा तो देखिए सीपी इधर ले आऊँगा, इधर बचेगा क्या, हो जाएगा एसपी, तो एसपी माइनस क्या जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो कि ये भी, अब देखिए ये भी सीपी है और ये भी सीपी है, तो मैंने क्या लिख दिया, सीपी लिख दिया। अब सीपी देखिए 1100 रुपये क्या है आपका, 1100 रुपये क्या है आपका सेलिंग प्राइस है, 11 इधर लिखा है ना, इधर देखो आप लोग, इधर लिखा है मैंने सेलिंग प्राइस लिखना है, तो क्या लिखा है मैंने, 1100 रुपये सेलिंग प्राइस हो गया। और आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट आपको हो रहा है, तो मैं प्रॉफिट क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, और आपको लॉस हो रहा है तो क्या करते हैं, इसमें प्लस कर देते हैं, ये देखिए आप लोग, ठीक है ना। तो ये लाइन मैंने यहाँ से लिख दी मैंने, ठीक है। उसके बाद तो मैंने आपको बता ही दिया आपको सोल्व करना है ऐसे, और सोल्व करोगे तो एक्स का मान कितना जाएगा, 100 आ जाएगा, और 100 आ गया तो यहाँ पे रख दोगे तो आपका क्या जाएगा, कॉस्ट पर आ जाएगा, आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। और क्रय मूल्य जैसे ही आ गया, 1/2 आपको 12.5% आपको लाभ चाहिए, तो यानी कि 1/8, तो 1/8 आप लाभ, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट दोगे, तो कितने में दोगे, 800 पे, यानी कि 100 रुपये का आपका मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। तो 800 की चीज़ पर अगर आप 100 रुपये प्रॉफिट दोगे तो यानी कितने बेचोगे इसको, 900 रुपये में बेचोगे, बस यही पूछा है आपसे। आपका एक भी डाउट ऐसा नहीं रहना चाहिए कि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम करे, ध्यान करना, डाउट हमेशा क्लियर रहना चाहिए। अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपके कमेंट का जवाब दे दूंगा, ठीक है ना, अभी नहीं तो बाद में, कभी ना कभी आपको जवाब दे दूंगा कमेंट का, ये पक्का ध्यान रखो आप लोग। अगर मुझे लगेगा कि हाँ बंदे का क्वेश्चन जेनाइन है, जेन्यून क्वेश्चन है, तो मैं आपको पक्का उसका रिप्लाई करूँगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखो और सोल्व करने की कोशिश करो, क्या कह रहा है देखिए, पढ़ो उसको और सोल्व करने की कोशिश करो। त्रिभुज ए बी सी दे रखा है आपको, ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, ट्राइंगल आपको दे रखा है ए बी सी, और एक पर आप सोल्व करने के, मैं पानी पी लेता हूँ, उसमें सोल्व करो फटाफट से। ये तो गर्मी इतनी भयंकर हो रही है, पढ़ाने का मन नहीं करता, फिर भी पढ़ा रहा हूँ आपके लिए। तो आप इतना कर दिया करो, लाइक और शेयर कर दिया करो आप तो, ना देखिए आपको दे रखा है ट्रायंगल एबीसी, ठीक है ना, आपको ट्रायंगल दे रखा है एबीसी, क्या कह रहा है देखिए, ए बी बराबर दे रखा है सी, ए बी का जो दे रखा है मान दे रखा है सी दे रखा है, ए सी का मान दे रखा है कितना, बी दे रखा है, ए सी का मान जो है बी दे रखा है, ठीक है, और सी बी का मान जो है ए दे रखा है, सी बी का मान जो है ए दे रखा है। और वैसे ध्यान रखो कि एंगल ए के सामने साइड ए मान ली, बी के सामने बी मान ली, सी के सामने सी मान ली, ठीक है। और क्या कह रहा है कि एंगल ए जो है आपका, एंगल ए जो है वो 2 × b है, बी का डबल है यानी कि, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, मैं एक बार ऑप्शन ले देता हूँ आपको लिए, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन काम आएंगे बहुत ज़्यादा आपके। आप लोग सोल्व करते रहो, जब तक मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, ऑप्शन लिख रहा हूँ, आप लोग सोल्व करते रहो उसको। ठीक है देखिए, अब आपसे बोला है कि एंगल जो ए है वो डबल है किसका, बी का। तो मुझे बताइए, अगर मैंने आपको बताया था कि 30 और 60 वाली वैल्यू आपको आपको पता हो तो आप क्वेश्चन को आसान से कर सकते हो। आपको पता होता है कि 30 के सामने निकालना है, 60 के सामने निकालना है, √3 से गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो वो चीज़ मैंने आपको समझ आई थी। तो इस क्वेश्चन में आप एक काम करो, ऐसे अगर एंगल ए रखोगे बी रखोगे तो आपका क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा ये वाला। तो एक काम क्या करो, आप लोग कुछ भी वैल्यू मान लिया करो। आप एक काम करो, अगर आपने बी को, अगर एंगल बी को आप लोग अगर 30 डिग्री मान लेते हो, तो एक काम करो, एंगल ए कितना जाएगा, डबल है इसका, तो यानी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। एंगल बी अगर आपका 30 डिग्री है तो एंगल ए कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो अब बचा हुआ एंगल कौन सा, एंगल सी, वो कितना बचेगा आपका, 90 डिग्री बचेगा, क्या बचेगा, 90 डिग्री। तो अब आप डायग्राम को ऐसे ही बना सकते हो, इस डायग्राम को आप लोग ऐसे भी बना सकते हो। कैसे देखिए, ए के सामने ए है और एंगल सी 90 है ये वाला, ठीक है, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ए के सामने ए है, सी के सामने सी है और बी के सामने बी है, डायग्राम वही है, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया इसको, ठीक है ना, सेम लिखा है मैंने, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ए सी का मान कितना है आपका, बी है, ए सी का मान बी लिखा है मैंने, ए बी का मान कितना है, सी है, तो ए बी का मान मैंने सी रखा है, और बी सी का मान कितना है, ए है, तो वही रखा है, कोई वैल्यू चेंज नहीं किया, डायग्राम चेंज कर दिया क्योंकि मैंने वैल्यू मानी है इसलिए, ठीक है। तो सी कितना मैंने माना है, 90 डिग्री मान लिया मैंने, और बी जो है मैंने माना है 30 डिग्री।
और ए माना मैंने 60 डिग्री, ठीक है, क्योंकि सेटिस्फाइड हो रहा है आपको, बोला है कि ए जो है वो डबल है, बी से मैंने मान ली डबल, कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो ऑप्शन से मतलब है। अब आप लोग चेक करो क्या निकालना है आप लोगों को, निकालना क्या है, तो कौन सा विकल्प आपका सही है ये आप लोगों को निकालना है। तो पहले तो आप लोग सोल्व करो इसको, देखो मुझे एक चीज़ बताओ आप लोग, अगर देखिए अगर मैं क्या मानता हूँ, 30 के सामने अगर आपका बी है, 30 के सामने अगर बी है तो मुझे बताइए 30 के सामने कितना है, बी है, तो मैं मान लेता हूँ कि एक बार ए सी बराबर जो है, अगर मैं बी मान लेता हूँ, ए सी के मान जो है मैं क्या मान लेता हूँ, एक काम करो, ए सी मान कितना है, बी है, ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी होगी, देखिए अगर मैं बी की वैल्यू 1 मान लेता हूँ, बी की वैल्यू कितनी मान लेता हूँ, मैं 1 मान लेता हूँ, क्योंकि 30 डिग्री के सामने क्या मानता हूँ, 1 मानता हूँ, तो मुझे आप लोग बताइए क्या 90 के सामने कितनी होगी, बी की वैल्यू अगर मैंने 1 मान ली तो मुझे बताइए सी की वैल्यू कितनी होगी, इस सी की वैल्यू कितनी होगी, तो 90 के सामने क्या करते हैं हम लोग, डबल कर देते हैं, जस्ट क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। और मुझे बताइए अगर 30 डिग्री के सामने एक है तो 60 डिग्री के सामने, 60 डिग्री सामने कौन है, ए, तो वो कितना होता है, रूट 3 होता है कि नहीं होता, बताइए, मैंने आपको बताया था ट्रायंगल के अंदर, ठीक है ना, जिसको नहीं पता मेरी पिछली वीडियो जाकर देखना है, पर 30 डिग्री के सामने एक है तो 90 के सामने डबल हो गया, और 30 डिग्री के सामने एक है तो 60 के सामने कितना हो गया, रूट 3 से मैंने गुणा कर दिया, तो ये आपकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है। एक मिनट सोल्व करने की कोशिश करो, मैं आता हूँ ना, ठीक है, आप बस ए और बी और सी की वैल्यू मैंने मान ली है और वो आपकी आ चुकी है, ए की वैल्यू आ गई √3, बी का मान मैंने मान लिया 1 और सी का मान मान लिया 2, ठीक है ना। तो अब एक काम करो, इनको ऑप्शन में रखने की कोशिश करो आप लोग, अगर आप ऑप्शन में रखोगे तो मुझे बताइए, अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूँ तो देखिए ए का मान यहाँ रख के देखो आप लोग कितना आएगा, देखिए ए का स्क्वायर कितना आ गया, 3 आ गया, क्या ये आ गया 3, और बी स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 1, और प्लस ए सी आप लोग ए सी करोगे तो कितना आएगा, 2√3, क्या ये दोनों बराबर है क्या, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो आपका ए ऑप्शन गलत हो गया पहली बात तो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सेकेंड ऑप्शन बी की, अब सेकेंड ऑप्शन बी है उसमें रख के देखो आप लोग, ए का मान कितना है आपका, √3 है, तो √3 यहाँ रखोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्या ए का स्क्वायर, और ए सी, ए सी कितना है आपका, ए सी है √3 और 2, तो कितना आएगा, 2√3, तो क्या ये ऑप्शन हो सकता है क्या आप लोगों का, ये ऑप्शन भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया, ठीक है ना। लेकिन बी ऑप्शन क्या था आपका, चेक करो एक बार, बी ऑप्शन था ए स्क्वायर बराबर था आपका बी स्क्वायर था ना, ये गलत दिया मैंने ऑप्शन, मैंने ए स्क्वायर बराबर था आपका बी स्क्वायर माइनस का ए सी था आपका ये। अब रखो वैल्यू एक बार इसमें, तो देखिए ए स्क्वायर कितना था आपका, √3 यानी कि हो गया 3, बराबर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना आपका, 1 है, और ए सी करना है आपको, ए सी देखिए कितना आपका, बी स्क्वायर माइनस कितना है आपका, ए सी है, तो ए सी देखिए कितना आएगा, 2√3, क्या 3 बराबर है क्या इसके, 1 माइनस 2√3 के, नहीं है, तो बी ऑप्शन भी आप गलत हो गया आपका। अब ऑप्शन चेक करते हैं सी ऑप्शन, सी ऑप्शन चेक करेंगे आप लोग तो ए की वैल्यू कितनी है आपकी, √3 है, तो स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा, और बराबर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब हो गया 1, और बी सी, बी सी कितना हो गया, देखिए 2 × 1 यानी कितना आएगा, 2, तो 2 और 1 3, क्या 3 बराबर 3 होगा क्या, तो ये अब आपको क्या, ये वाला ऑप्शन क्या कर रहा है आपका, सेटिस्फाई कर रहा है भाई, 3 बराबर 3 आ गया, सी ऑप्शन कर रहा है, मैंने ए बी सी की वैल्यू रखी तो आपका ऑप्शन जो है सी क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका ऑप्शन सी क्या है आपका, एकदम सही आंसर है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू माननी है इसके अंदर, आपको 30, 60 और 90 से करना है क्वेश्चन को सोल्व, या फिर एक काम करो आप लोग, इसी क्वेश्चन को आप करना चाहो तो 45 डिग्री मांगे भी कर सकते हो, इसी क्वेश्चन को आप चाहो ये आप लोग खुद सोल्व करना इसको, मैंने 30, 60 और 90 से मैंने आपको बता दिया है, अब एक काम करना इसको 45 मान लेना, इसको 45 मान लेना, ये कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, तो वही मान लेना आप लोगों को, वापस ए सी और बी, आपसे बोला था कि बी जो है एंगल ए जो है वो डबल है बी का, तो एंगल ए जो है वो डबल है किसका, बी का, तो इसको मान लेना आप लोग बी, ठीक है। अब इसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश करना, कैसे करोगे, ए के सामने अगर कोई साइड 1 है, ठीक है, तो सी के सामने भी कितनी होगी, वो 1 होगी, और ये कितनी देगी, √2, अब ए बी सी के मान आपके पास आ जाएंगे, और आप लोग ऑप्शन रख के चेक कर लेना, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था ये वाला, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आप लोगों को, बस ओनली वैल्यू पुटिंग आपको आनी चाहिए, कैसे मैंने वैल्यू मानी, एंगल 30 का मान कितना होता है, 60 का मान कितना होता है, बस आपको वही सोल्व करना है। चलो अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा अगला क्वेश्चन, और सोल्व करने की कोशिश करो, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ये वाला, और आसान सा क्वेश्चन है, करो उसको सोल्व। क्या कह रहा है, देखिए एक निश्चित धनराशि को अगर आप एक्स परसेंट वार्षिक वार्षिक साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के लिए निवेश किया गया, ठीक है ना, यदि इसे एक्स प्लस 5% की वार्षिक दर पर निवेश किया जाता है तो साधारण ब्याज जो है पहले की अपेक्षा 9,200 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो मूल धनराशि बताइए कितनी होगी। देखिए क्या कह रहा है, आपका पहले आपका प्रिंसिपल था मान लिया मैंने, कोई भी था मुझे नहीं पता कितना था, लेकिन आपको रेट दे रखी है एक्स परसेंट, ठीक है, और टाइम जो है आपका
टाइम जो है वो है 5 साल, टाइम जो है वो कितना है 5 साल है। और बात करते हैं सेकंड कंडीशन की, प्रिंसिपल तो आपका वही सेम, इसने क्या कर दिया, इसने रेट को बढ़ा दिया, रेट को बढ़ा दिया। और कितना बढ़ाया इसने, रेट को बढ़ाया 5%, ठीक है, रेट को बढ़ा दिया 5% इसने। अब क्या कह रहा है, टाइम तो आपका वही है, कितना 5 साल ही है। अब ये कह रहा है कि अगर इसने रेट को बढ़ाया है तो इसका जो ब्याज है वो ब्याज बढ़ गया, और ब्याज कितना बढ़ गया इसका, 9,200 रुपये बढ़ गया। तो मुझे बताइए 9,200 रुपये बढ़ कैसे गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टाइम सेम है, यहाँ पर प्रिंसिपल भी सेम है, आपको जो बढ़ाया है ये किसके कारण बढ़ाया, सिर्फ और सिर्फ रेट के कारण। तो मुझे बताइए, अगर आपने 5% रेट बढ़ाई है, 5% रेट बढ़ाई है और 5 साल तक बढ़ाई है, भाई 5% रेट बढ़ाई है और 5 साल तक बढ़ाई है, तो कितना बढ़ गया आपका, 25% जो ब्याज है वो बढ़ गया आपका। और 25% ब्याज बढ़ गया मतलब, और उसकी वैल्यू आपको रखी 9,200। तो क्या निकाल लेंगे हम लोग, 100 की वैल्यू निकाल लेंगे क्या, 25% की वैल्यू कितनी है, 9,200 है, 100 की निकालनी है, 100 से गुणा कर देंगे तो सोल्व करो कितना आएगा, 4 और काट दो इसको, यह जगह 0 0, 4 2 8 और 4 9 36, क्या 36,800 ये आपका आंसर आ रहा है क्या। ऑप्शन नंबर चेक करो आप लोग, एक मिनट, लैपटॉप बंद हो गया क्या, चक्कर है, कोई दिक्कत नहीं छोड़ने, ठीक है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका एकदम सही आंसर है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। देखिए मैंने क्या किया इसके अंदर, आपको सिंपलीफाई क्वेश्चन कैसे करना है, आपको रेट दे रखी है एक्स परसेंट, आपका प्रिंसिपल और टाइम तो आपका सेम ही है दोनों जगह, और रेट आपको चेंज हो रही है, तो रेट कितनी चेंज हो रही है आपकी, 5% रेट चेंज हो रही है, लेकिन 5% रेट चेंज हो रही है लेकिन कितने साल तक हो रही है, 5 साल तक, ठीक है। टाइम कितना है, 5 साल, तो 5 साल में ब्याज कितना बढ़ जाएगा आपका 5% की रेट से, तो आप बोलोगे 25% क्या आपका ब्याज बढ़ जाएगा। उसने बोला कि 9,200 बढ़ गया आपके, तो 9,200 जो वैल्यू है वो कितने की, 25% की, तो मैंने 100 की वैल्यू निकालनी, तो कितनी आ गई आपकी, 36,800 आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था ये वाला, और एक आसान सा क्वेश्चन था बिल्कुल ही। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, और ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है वाला, और मैं पहले भी ऐसा क्वेश्चन करवा सका हूँ, ऐसे दो क्वेश्चन मैं आप लोग करवा सका हूँ। ये एवरेज का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखिए, पढ़ो उसको। 11 संख्याओं का औसत दे रखा है आपको 68, ठीक है ना। देखिए 11 संख्या आपकी, ये नंबर है आपके 11 नंबर आपके, और इनका जो एवरेज रखा है वो दे रखा है 68। पहली 4 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है आपका, 78 है। पहली जो 4 नंबर है आपके, पहले जो 4 नंबर है उनका जो एवरेज है वो है 78। क्या करें, अगले जो चार नंबर है उनका जो एवरेज है वो कितना दे रखा है आपको, वो दे रखा है 63, ठीक है। अब क्या करें, नवी संख्या आपकी 3 संख्या और बच गई, 9th 10th और 11th। अब कह रहा है कि नवी संख्या 11वीं से दुगनी है, नवी संख्या जो है वो 11वीं से दुगनी है, ठीक है। तो 11वीं को मैं अगर मैं एक्स मान लूँ तो नवी संख्या 2x हो जाएगी क्या, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 10वीं संख्या 11वीं से 4 कम है, 10वीं संख्या जो है वो 11वीं से कितनी, 4 कम है। अगर ये 11वीं संख्या एक्स है और ये 4 कम है, तो ये कितनी होगी आपकी, एक्स माइनस 4 हो जाएगी क्या, तो तीनों वैल्यू आपके पास आ चुकी है। तो देखिए अब सोल्व कैसे करेंगे, बेसिस आप लोग कर लोगे, 11 को गुणा कर लेना 68 से, फिर 4 को कर लेना 78 से, 4 को कर लोगे लो 63 से, दोनों को जोड़ लेना और इसमें से माइनस करोगे, इसके बराबर रख देना आप लोग। ये इसका जो बेसिक है वो आपको मैं पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको अब एग्जाम में कैसे करना है आप लोगों को। तो मुझे बताइए आप, इसको हम करेंगे किससे, डेविशन मेथड से करेंगे, किससे करेंगे, डेविशन से। देखिए कैसे करेंगे, आपको बताइए 11 नंबर का जो एवरेज है वो 68 है, तो मुझे बताइए 4 नंबर का एवरेज है वो 78 है, तो ये एवरेज से कितना ज़्यादा है, ये एवरेज से कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे कि 10 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। तो अगर ये एक नंबर पे 10 बढ़ रहा है, एक नंबर पे ये 10 बढ़ रहा है, तो आपके 4 नंबर है आपके, तो 4 नंबर पे कितना बढ़ेगा ये, तो आप बोलोगे कि 40 बढ़ जाएगा आपका, कितना बढ़ जाएगा, 40 बढ़ जाएगा। तो वैसे मैं बात करूँ कि 4 संख्याओं का एवरेज कितना है आपका, 63 है, और ये एवरेज से कितना है आपका, ये एवरेज से कितना ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है, ये कम है आपका, और कितना कम है, आप बोलोगे 5 नंबर कम है आपका, 5 नंबर कम है एवरेज, तो 5 एक नंबर पे कम है आपका, तो 4 संख्याओं पे कितना बढ़ेगा ये, भाई एक नंबर पे बढ़ रहा है आपका 5, तो 4 नंबर है आपके, 4 पे कितना बढ़ेगा, तो ये बढ़ जाएगा 20। तो टोटल कितना इफेक्ट आया, देखिए यहाँ पर आया आपका प्लस का 40 का इफेक्ट आ गया, और यहाँ पर आ रहा है माइनस का 20, ठीक है ना। तो दोनों का आप चेक करोगे दोनों में कितना टोटल इफेक्ट कितना आ रहा है, तो 40 में 20 माइनस कर दोगे तो कितना इफेक्ट आ रहा है, 20 का। तो 20 किसका आ रहा है आपका, प्लस का आ रहा है, 20 का आपका प्लस का इफेक्ट आ रहा है। तो मुझे बताइए आपको हमेशा डेविशन क्या रखना पड़ता है, 0, डेविशन हमेशा क्या रखना पड़ता है, 0 रखना पड़ता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। पिछली वीडियो में आपको समझा चुका हूँ डेविशन का पूरा चैप्टर, आपको
ठीक है ना, एक क्वेश्चन करवाया था मैंने डिवीजन का, और वह आप लोग देखना एक बार, आपको पक्का समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको पता है आपको 3 नंबर आपके बच रहे हैं, 4 और 4 8 नंबर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और बचे कितने आपके 3 नंबर बचे आपके। तो 3 नंबर का एवरेज देखिए, हमने एवरेज कितना माना है 68, एवरेज मैंने माना है 68। तो देखिए सोल्व करो उसको, 3 8 24, 2 बचेगा, 3 6 18 और 2 20, कितना आ गया 204 आ गया आपका। और आपको पता है कि डेविएशन कितना आया था आपका, 20 आया था प्लस का। तो डेविएशन आपको क्या करना है, जीरो करना है। अगर आपका प्लस 20 आ रहा है तो आपको डेविएशन जीरो करने के लिए करना पड़ेगा, आपको माइनस का 20 करना पड़ेगा। अगर आपका प्लस का 20 डेविएशन आ रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको जीरो करने के लिए माइनस का 20 करना पड़ेगा। तो एक काम करो, उसमें से माइनस 20 माइनस कर दो आप लोग, ठीक है। तो कितना बचेगा ये देखिए आप लोग, देखिए सोल्व करो उसको, 2 3 4 कितना जाएगा ये, 4x कितना बचेगा, माइनस का 4। इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, 204 तो आएगा आएगा, और 20 क्या करना है आपको, माइनस करना है। तो सोल्व करो, 4x - 4 बराबर कितना जाएगा, 20 इसमें से माइनस करोगे कितना बचेगा, देखिए ये बनेगा आपका 184 बनेगा, ठीक है। तो देखिए 4x बराबर कितना जाएगा, 4 ऐड कर दो उसके अंदर, तो कितना जाएगा, 188 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 4 से 28 और 2 बजेगा, कितना आ गया 72। अब x की वैल्यू कितनी आ गई, 72 आ गया आपकी, यानी कि आपका जो एवरेज है वो कितना आ गया, 72 आ गया, ठीक है, किसका, 11 नंबर का। लेकिन आपसे क्या बोला है कि 9वीं और 11वीं संख्या को बताइए एवरेज। देखिए क्या बोला है आपसे, 9th और 11th, इनका निकालना है आपको एवरेज। और 9वीं संख्या कितनी आपकी, 2x है, और 11वीं संख्या कितनी है, x है, ठीक है। तो देखिए 2x और 1x इनका एवरेज निकालो, कितना आएगा, 3x/2 कितना आएगा, 1.5x। और x की वैल्यू कितनी आपकी, 72, तो 1.5 को आप लोग गुणा करोगे 72 से, तो बताइए कितना आएगा, कितना आएगा, 15 30, कितना हो जाएगा, 3 15 7 105 और 3 108, ठीक है। और 10 काट दोगे कितना आ जाएगा आंसर आपका, 108, ठीक है। तो आंसर कितना रहा है आपको चेक करो एक बार आप लोग, एवरेज निकालना आप लोगों को। कुछ गलती कर दी है मैंने यार, तो आपका 108 आंसर आ रहा है लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो यानी कि हमने कुछ मिस्टेक हुई हमसे, और मिस्टेक कहाँ पर हुई है, यहाँ तो आपका ठीक था, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। एक काम करो, उनको जोड़ो आप लोग, 2 3 4x - 4, ये कितना आ गया, 20 माइनस करोगे आगे 184, और इसमें आप लोग 4x का भाव दोगे। सॉरी सॉरी, यहाँ पर गलती होगी आपसे ना, इसको आप लोग एक बार सही कर लेना। आप देखिए आप लोग भाग दोगे तो कितना आएगा, x का मान आ जाएगा 416 और 2 4 28, कितना आ गया, 47। तो x का मान आपका आएगा 47, ठीक है ना, यहाँ मिस्टेक हो गई थी मुझसे। तो ये तो आपका सही था, कितना आ गया, 1.5x आ गया आपका, और यहाँ रखोगे वैल्यू कितने की, x की वैल्यू कितनी आएगी, 47। अब आप लोग गुणा करो इसको, अब इसको गुणा करोगे कितना आएगा, देखिए 15 7 105 आएगा, कितना बचेगा, 10, और 15 6 60 और 10 कितना आ गया, 70, और एक पॉइंट आ रहा था कितना आ गया, 70.5। तो ऑप्शन नंबर देखो आप लोग, ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम सही आंसर है। देखिए फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चन को, कैसे किया मैंने, आपको 11 नंबर का एवरेज दे रखा है 68, 4 नंबर का दे रखा है 78, और 4 नंबर का दे रखा है 63। तो ये एवरेज से कितना ज़्यादा है, ये है 10 ज़्यादा है। अगर ये 10 ज़्यादा है तो 4 नंबर पर ज़्यादा है भाई, 1 पर अगर 10 का इफेक्ट आ रहा है तो 4 पर कितने का इफेक्ट आएगा आपका, 40 का जाएगा। वैसे देखो आप लोग, ये 4 नंबर जो है इनका एवरेज कितना है, 63 है, तो कितना कम है एवरेज से, तो आप बोलोगे 5 कम है। अगर ये माइनस का 5 कम है तो 4 का गुणा कर रहे हो, और 4 से गुणा करो कितना आएगा, टोटल जो इफेक्ट आएगा वो आएगा माइनस का 20। तो 40 का इफेक्ट यहाँ पर आ रहा है और 20 का इफेक्ट माइनस का यहाँ पर आ रहा है, तो टोटल इफेक्ट जो कितना आएगा, 40 में से 20 माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा, प्लस का 20। और एक चीज़ याद रखना, अगर यहाँ प्लस का 20 का इफेक्ट आ रहा है और डेविएशन आप लोग निकाल रहे हो, डेविएशन का मतलब होता है कि डेविएशन आपका जीरो होना चाहिए पहली बात। तो अगर यहाँ प्लस का 20 इफेक्ट आ रहा है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, माइनस का 20 करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे बताइए अब आपकी, देखिए 4 संख्या आप लोग निकाल चुके हो और 4 ये निकाल चुके, टोटल 8 संख्या आप लोग निकाल चुके, बची कितनी, 3। और 3 संख्या को एवरेज मैंने कितना माना था, 68, मैंने एवरेज कितना माना था, 68, तो गुणा किया कितना आ गया, 204। और आपको पता है कि डेविएशन कितना लेना है आपको, माइनस का 20, तो मैंने इसमें से माइनस 20 कर दिया, तो कितना बच गया आपका, 184। और एक्स वैल्यू कितनी आ गई, 47। फिर आप लोगों को एवरेज निकालना है, एवरेज मैंने निकाल लिया है, कितना आ गया, 1.5x, 9वीं और 11वीं संख्या का गुणा कर दिया, कितना आ गया आपका, 70.5, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये वाला एवरेज का, और ये क्वेश्चन आपका सीजीएल मेंस में भी आ चुका है, ध्यान करना एक बार। तो ये वाला क्वेश्चन आपको कम से कम 4 या 5 बार इसको प्रैक्टिस करनी है आप लोगों, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। बेसिक से करोगे तो भी आपको उतना ही टाइम लगेगा, और आपका शॉर्ट ट्रिक से करोगे तो आपको थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, इससे तो बेसिक से कम टाइम लगेगा आपको। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, और आपकी डिस्प्ले पर आ गया होगा, पढ़ो उसको, सोल्व करने की कोशिश करो। देखिए क्या करा है, यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, ठीक है ना, तो एक दुकानदार को 25% का लाभ प्राप्त होता है,
यदि दुकानदार जो है उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है तो लाभ और हानि बताइए आप लोग क्या होगी। तो देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि एमआरपी और सीपी का रेशियो कैसे निकालते हैं। एमआरपी और सीपी का रेशियो कब निकालते हैं? जब आपको डिस्काउंट और प्रॉफिट आपको दिया हुआ हो, डिस्काउंट और प्रॉफिट दिया हुआ हो तो आप क्या निकालते हैं? एमआरपी और सीपी का रेशियो निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? एमआरपी निकालते हैं आप लोग 100 - x, यानी कि 100 - क्या निकालोगे? डिस्काउंट निकालते हैं, डिस्काउंट। लेकिन जब आप रेशियो निकालते हो, ध्यान करना, ये तो कब आता है आपका? जब आप लोग एमआरपी पे क्या निकालते हो? 100 - डिस्काउंट निकालते हो, तो ये किसके बराबर होता है? सेलिंग प्राइस के। वैसे ही आप लोग सीपी भी निकालते हो, 100 + क्या निकालते हो? प्रॉफिट। तो इसको आप लोग सोल्व करोगे तो ध्यान करना, आपका जो एमआरपी और सीपी का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा आपका 100 + p और 100 - d, यानी कि डिस्काउंट और प्रॉफिट। ठीक है, तो आपको एमआरपी निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? यहाँ करेंगे प्लस का, और प्लस कितना है आपका? डिस्काउंट कितना निकालना है? डिस्काउंट कर लेंगे यहाँ पर, तो डिस्काउंट क्या करते हैं हम लोग? माइनस करते हैं हमेशा, याद रखना आप लोग। ठीक है, अब देखिए आपको प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, पहले देखो प्रॉफिट दिया हुआ है आपको कितना? 25%, तो 25 यहाँ पर ऐड कर दो आप लोग। और डिस्काउंट कितना दिया आपको? डिस्काउंट दिया हुआ है कितना? 10%, तो 100 में से आप लोग डिस्काउंट माइनस कर दो। डिस्काउंट कितना है आपका? 10%। अब इसको सोल्व करो आप लोग, कितना जाएगा? 125, ये आ जाएगा कितना? 90। तो काट दो 5 से, कितना कटेगा? 25 बार कट जाएगा ये, और ये कितना कटेगा? 18 बार। तो 25 और 18 क्या आ गया आपके पास? रेशियो आ गया। ठीक है, अब आपसे क्या बोला है कि यदि दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की क्या देता है? डिस्काउंट देता है। देखिए अंकित मूल्य कितना आपका? 25। ठीक है, और इस पर वो 25% का और डिस्काउंट दे रहा है इसका, और 25% का मतलब होता है 1/4, तो 1/4 का डिस्काउंट निकालो उसके अंदर से, यानी कि वो क्या कर रहा है? 25% का निकालो 1/4, तो कितना आएगा? देखिए 4 × 24, 1 बचेगा क्या? यानी कि 1/4। ठीक है, कितना आ गया? 6 × 1/4, या फिर एक काम करो उसको सोल्व और कर लो, 4 × 24 आ गया आपका, 1 बचेगा, 4 × 2 = 8, यानी कि 6.25 आ गया, है ना? या तो आप ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, यही बात है वो तो। ठीक है, तो बताइए 6.25 का आप लोग क्या दोगे इसमें? डिस्काउंट दोगे। तो बेचोगे कितने में भाई? 25 की चीज़ है उस पर 6.25 का आप लोग डिस्काउंट दे रहे हो, तो कितने में इसको बेचोगे आप लोग? तो सेलिंग प्राइस कितना जाएगा आपका? तो 25 में से माइनस करो 6.25, तो कैसे माइनस करोगे? देखिए 25 में से एक काम किया करो आप लोग, 7 माइनस कर दो, 25 में से आप लोग 7 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 18। और देखिए आपने क्या करा है, 0.75 ज़्यादा माइनस कर दिया, उसको ऐड कर दिया करो, कितना गया? 18.75 आ गया आपका। अब मुझे बताइए 18 रुपये क्या आपका सीपी है? 18 क्या आपका सीपी है, और सेलिंग प्राइस कितना है आपका? 18.75। तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ? तो आप बोलोगे कितने का हुआ? 0.75 का, 0.75 का प्रॉफिट हुआ, और कितने पे हुआ? 18 पे, और गुणा कर देंगे 100% के लिए। देखिए 0.75 से हटाओगे तो 20 का जाएगी, नीचे जाएगी, तो इसको काट दो आप लोग, तो देखिए कितना प्रॉफिट आएगा। तो कितने बार कटेगा बताइए? 18 × 74, 4 बार कट जाएगा, ये कितना बचेगा? 3/18। सोल्व करोगे कितना आएगा? 4 सही 1/6, ये क्या आ गया आपका? इसका प्रॉफिट आ गया। ठीक है, एक इजी क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट था इसके अंदर जो आपको समझना था कि एमआरपी और सीपी का रेशियो क्या होता है। एमआरपी का रेशियो होता है आपका 100 + आपका प्रॉफिट, और सीपी का रेशियो होता है 100 - डिस्काउंट। ठीक है, मैंने रेशियो निकाल लिया, कितना आया? 25:18। आगे क्या बोला इसने कि 25% का इसने डिस्काउंट दे दिया एमआरपी पे, तो 25 रुपये की चीज़ है आपकी, और 25% डिस्काउंट दे रहे हो, यानी कि 1/4 का क्या दे रहे हो आप लोग? डिस्काउंट दे रहे हो, और 25 का मैंने 1/4 निकाला तो कितना आया? 6.25 आ गया, तो 6.25 मैंने डिस्काउंट दे दिया। तो बेचा कितने में इसने? 25 रुपये की चीज़ पर 6.25 रुपये क्या दे रहा है? वो डिस्काउंट दे रहा है, तो कितने बेचेगा वो? 18.75 के अंदर। और सीपी कितना है आपका? 18 रुपये है, तो आपको क्या दे रहा है? प्रॉफिट हो रहा है क्या भाई? 18 रुपये की चीज़ को बेच रहे हो आप 18.75 पे, तो प्रॉफिट कितने हो रहा है? 0.75 का, और कितने पर निकालना है? 18 पे, गुणा कर देंगे 100 से, तो आपको परसेंटेज में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आप लोग देखो और सोल्व करने की कोशिश करना इसको, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों का? 2 sin θ + 15 cos² θ और बराबर दे रखा 7। ठीक है, और आपको दिया हुआ है थीटा का मान जो है वो 0° से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, और 90 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, ये आपको कंडीशन दी हुई है। और आपसे पूछा है कि 3 - tan θ और 2 + tan θ, ये आप लोगों को निकालना है, ये तो आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल ही। तो देखिए कैसे सोल्व कर पाएंगे इस लोगों को आप लोग, तो आप देखना इसके अंदर आप लोग अगर एंगल रखोगे आप लोग 30° और 60° रखोगे तो आप चेक करना इसका आंसर आपको 7 नहीं आएगा, क्योंकि आप 30 रखोगे मान लीजिए यहाँ पे 1/2, तो आपका ये कुछ और बनेगा और आपका आंसर 7 नहीं आ पाएगा। तो इसको तो आप क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा सोल्व करना ही पड़ेगा, इसको इक्वेशन बनानी पड़ेगी इसके अंदर। देखिए कैसे लिखेंगे इसको, 2 sin θ
मुझे बताइए कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कि नहीं होता। तो इसको लिख सकता हूँ मैं प्लस 15 इंटू माइनस का 15 साइन स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया है, कोस स्क्वायर लिख दिया मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और मैंने 15 को गुणा कर दिया अंदर, तो कितना आ गया 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर थीटा और बराबर रहेगा 7। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। इस 15 साइन स्क्वायर थीटा में ले आऊँ राइट साइड में तो क्या बनेगा आपका, 15 साइन स्क्वायर थीटा बनेगा आपका। ठीक है, अब देखिए ये कितना है 2 साइन थीटा, इसको ले जाएंगे राइट साइड में तो क्या बनेगा आपका, 2 साइन थीटा बनेगा और किसका बचेगा, माइनस का। ठीक है, अब इस 15 को मैं ले आऊँगा राइट साइड में तो देखिए 15 या को माइनस का बचेगा, 15 में से 7 माइनस करूँगा कितना बचेगा, माइनस का 8 बराबर 0। अब आपको सोल्व करना है इसको, तो मुझे बताइए आपका जो जोड़ करने पर तो या फिर एड माइनस करने पर तो आना चाहिए 2 और गुणा करने पर आना चाहिए 15 × 8 यानी कि 120। तो ऐसी कौन सी वैल्यू होंगी, ये तो आपको सोचनी पड़ेगी वरना आप लोग सिर्फ दराचारी सूत्र लगा सकते हो। तो आप लोग सोचो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो देखिए कितनी आ सकती है। देखिए आप लोग, आप एक ना 12 × 10 क्या बन रहा है, क्या देखो आप लोग 12 में से 10 माइनस करोगे 2 बन रहा है आपका। ठीक है, और 15 × 120 क्या 120 आ रहा है गुणा करने पर, तो यानी कि आपका आंसर सही है। तो देखिए क्या लिखोगे इसको आप लोग, 15 × sin² θ माइनस का 12 sin θ और प्लस का 10 sin θ माइनस का 8 बराबर 0। अब चाहो तो इसको कॉमन लेकर सोल्व कर लो आप लोग, मैं तो कह रहा हूँ इसको भी मत लिखा करो आप लोग, इसको भी मत लिखा करो। ऐसे आपको पता लग गया कि माइनस का 12 और प्लस का 10 ये आपके फैक्टर बनने हैं आप लोगों के, ये आप लोगों क्या बनने, फैक्टर बनने। ऐसे तो आप कर ही लोगे बेसिक से, तो मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट आपको कैसे लिखना है माइनस का, माइनस का 12 और प्लस का 10 यही बनेगा क्या, क्योंकि माइनस का 2 निकालना है आप लोगों को, माइनस का 2 चाहिए तो माइनस का 12 प्लस प्लस का 10 आ गया आप लोगों को। देखिए अगर आपको साइन थीटा निकालना है, अगर आपको साइन थीटा निकालना है तो कैसे निकालोगे, देखिए चिन्ह किसका है, माइनस का, ध्यान करना वो प्लस में हो जाता है पहली बात तो, 12 आ गया और बटे में क्या लिखेंगे, जो साइन थीटा का गुणांक है कितना है 15, तो 15 से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा 3 × 12 और 3 × 5 = 15 आ गया आपका। और आप लोग इसको निकालोगे तो कितना आएगा, ये माइनस का आएगा और साइन थीटा की वैल्यू जो है वो माइनस में नहीं आएगी। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन जो आएगा वो आपको लेना ही नहीं, आपको ओनली प्लस वाली लेनी है आपको वैल्यू, कौन सी लेनी है, प्लस वाली लेनी है आपको। देखिए आप लोग, आपका साइन थीटा का मान आ गया 4/5, चाहो तो आप लोग सोल्व कर लेना पूरा या फिर आप लोग ऐसे निकाल लेना आप लोग। ठीक है, तो साइन थीटा का मान कितना आ गया 4/5। अब आपको पता है कि साइन थीटा का मान क्या होता है आपका, साइन थीटा क्या होता है आपका, लंब बटे कर्ण। तो आधार कितना आएगा इसका, 3 आ जाएगा, क्या पता होगा आपको। ठीक है ना, क्या होता है ये लंब बटे कर्ण, तो आपको पता होगा कि एक ट्राइंगल होता है ये 90 होता है, तो क्या होता है इसके ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज के, तो कितना आ गया 3 आ गया आपका। अब आप मान रख दो, आपको पता है कि टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है यहाँ पे, लंब कितना आ गया 4 हो गया और आधार कितना है 3। मान रख दो यहाँ पे 3 माइनस कितना आ जाएगा 10θ, 4/3 और 2 + 4/3। सोल्व करो कितना आएगा, 3 × 9 में से 4 होते माइनस आएगा 5। ठीक है, और 3 × 2 = 6 और 4 कितना आ जाएगा 10, और 3 तो दोनों से कट जाएगा क्या, तो कितना बचेगा 1/2। भाई एलसीएम लोगे 3 यहाँ से 3 यहाँ से, वो तो कट जाएगा, तो कितना आएगा 5/10 यानी कि 1/2। तो ये इसका आंसर था। देखिए कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को, आप लोगों को इसको सोल्व करना है तरीके से। तरीका क्या लगाना है आपको, कोस करो मैंने क्या लिख दिया 1 − sin² θ, तो मैंने क्या लिख दिया 2 sin θ + 15 − 15 sin² θ। ठीक है ना, बराबर आ गया 7। तो साइन थीटा वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 4/5। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा आपका आ गया तो मैंने क्या निकाल लिया, 10θ निकाल लिया, और 10θ जैसे आ गया मैंने इसमें क्या रख दिया, मान रख दिया, तो आपका आंसर ये आ गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यू रखनी थी इस क्वेश्चन के अंदर, पहले वैल्यू निकालनी थी उसके बाद आपको वैल्यू इसमें रखनी थी। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। और टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, और टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन तो आपसे गलत होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं टाइम एंड वर्क का मैं आपको पूरा पढ़ा चुका हूँ, इसके 8 लेसन में डाल चुका हूँ, और जिसने वो वीडियो नहीं देखे हैं एक बार जाके जरूर देखना, लिंक मैं उसका डाल चुका हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है ना, तो देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आपके पास 3 आदमी हैं, ए बी और सी। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, हम करेंगे तो लास्ट से पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, बी जो है वो सी से दूना तेज है, बी जो है वो सी से दूना है, तो सी को अगर मैं 1 मान लूँ तो बी कितना होगा, डबल होगा कैसे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ए जो है वो बी की तुलना में दूना है, ए जो है वो बी से भी दूना है, यानी कितना हो गया 4 हो गया। तो ए बी सी की आपकी क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। और क्या कह रहे हैं, तीनों जो हैं एक साथ मिलकर काम करते हैं, काम को डी की मदद से 4 दिन में कर देते हैं, आपको डी और दे रखा है। अब आपको दिया हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये मिलकर अगर काम करते हैं तो कर देते हैं 4 दिन के अंदर। देखना क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है,
ये कर देते हैं 4 दिन के अंदर, ठीक है। और डी को हमें नहीं पता, मैंने डी की मान ली, डी को मैंने मान लिया कि डी की एफिशिएंसी कितनी है, एक्स है। ये क्या है आपकी एफिशिएंसी है, मुझे डी की एफिशिएंसी नहीं पता, मैंने डी की एफिशिएंसी कितनी मान ली, एक्स मान ली। अब क्या करा है, यदि डी अकेले इस काम को 16 दिन में कर सकता है, यदि डी जो है इसी काम को अकेले कितने में कर सकता है, 16 दिन में कर सकता है, ये आपसे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, अब आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं हम लोग, ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, पहले तो निकालेंगे इसकी टोटल एफिशिएंसी कितनी है। देखिए 4 और 2 6 और 1 7 कितना आ गया, 8 हो गया, ठीक है। 8 प्लस एक्स, ये क्या होगी, टोटल एफिशिएंसी होगी। और आपको टोटल टाइम दिया हुआ है 4 दिन, तो आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि जो टोटल वर्क होता है, टोटल जो वर्क होता है वह क्या होता है। मैंने आपको बताया था टोटल वर्क कैसे निकालते हैं आप लोग, टोटल टाइम इंटू टोटल एफिशिएंसी, ठीक है। तो देखिए एफिशिएंसी कितनी है आपकी, 8 प्लस एक्स है, और टाइम कितना है आपका, ये तो क्या आपका टाइम है, और टाइम कितना आपका 4 दिन है, और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा किसके, एक्स इंटू 16, क्यों, ये भी एफिशिएंसी इसकी, ये क्या है टाइम है, ठीक है। तो दोनों की एफिशिएंसी और टाइम गुणा होंगे, तो यहाँ से भी क्या आएगा, टाइम आएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। देखिए 16 इंटू क्या जाएगा, एक्स, 16x, ये भी क्या आ गया टोटल वर्क आ गया, और ये भी क्या आ गया आपका टोटल वर्क आ गया, तो उसको हम कर देंगे बराबर कर देंगे दोनों को। तो सोल्व करो कितना आएगा, देखिए 4 8 32 प्लस 4x बराबर आ जाएगा 16x। तो सोल्व करो कितना आएगा, 4 को तो ले जाओ, ये बनेगा आपका 12x बराबर आ जाएगा 32। तो x का मान कितना आ गया, देखिए 32/12 यानी कि 4 8 32 और 4 3 12, तो x का मान कितना आ गया, 8/3, यानी कि हमारे पास जो एफिशिएंसी आ गई डी की जो एफिशिएंसी आ गई वो आ गई 8/3। अब आपसे क्या बोला है कि ए अकेले जो है इसी काम के 75% काम को कितने दिन में कर सकता है, तो मुझे बताइए टोटल वर्क कितना है आपका। तो टोटल वर्क कितना है आपका, चाहे तो इसमें रख दो चाहे यहाँ रख दो, बात एक ही है। तो देखिए आपको निकालना है टोटल वर्क, तो टोटल वर्क कितना आएगा, 16 इंटू एक्स वैल्यू कितनी है आपकी, 8/3, ठीक है ना। यह जगह कितना, 16 घंटे कितना आता है आपका, 128/3, और आपको क्या करना है, इसका करना है 75%, 75% मतलब 3/4, 3/4 काम करवाना है, और किससे करवाना है आपको, ए से करवाना है, और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, तो 4 से और बाल का देंगे। तो देखिए 4 × 16 कितने बार कट जाएगा, 7 बार, और 3 से काट दो 3 बार, ये कितना जाएगा, 7 दिन। तो ए जो है वो 75% काम को कितने में कर देगा, 7 दिन में कर देगा, ठीक है। तो ये आपका आसान सा क्वेश्चन था, फिर देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ क्या कह रहा है क्वेश्चन। आपको ए बी सी की एफिशिएंसी रखी है 4 2 1, ठीक है ना, एफिशिएंसी आप लोग निकाल पाओगे। अब इसने कहा कि अगर चारों मिलकर इसी काम को करते हैं तो वो 4 दिन में कर देते हैं, लेकिन इसने बोला है कि डी की एफिशिएंसी हमें नहीं पता, तो डी की एफिशिएंसी मैंने मान ली कि एक्स है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि डी जो है इस काम को 16 दिन में कर सकता है, तो पहले क्या करना है हमको, निकालना है टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, आपको पता होना चाहिए कि टोटल टाइम इंटू टोटल एफिशिएंसी क्या होता है, टोटल वर्क होता है। तो टोटल एफिशिएंसी में निकाल ली कितनी आ गई, 8 + x आ गई, और टोटल टाइम पता है आपको 4 दिन पता है, तो कितना आ गया, 8 + x × 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखिए इसको बराबर किसके रखेंगे, देखिए आपको पता है कि डी की बात करें हम लोग, डी का आपको टाइम पता है और डी की एफिशिएंसी मैंने एक्स मान रखी है, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा यहाँ से, 16x। तो ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, दोनों को मैंने बराबर रख दिया, तो x का मान कितना आ गया आपका, 8/3, और 8/3 आ गया, तो मैंने यहाँ पे रख दिया आपका 16x के अंदर रख दिया, तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा एग्जैक्ट। तो 16 वर्क कितना आ गया, 16 × 8/3, तो 128/3 आ गया, तो ये तो क्या आ गया आपका टोटल वर्क। अब इसने क्या बोला है कि इस काम के 75% भाग कराना है, तो 75 का मतलब होता है 3/4, तो 3/4 निकाल लिया मैंने, और काम किससे करवाना है आपको, आपको काम करवाना है किससे, ए से करवाना है, तो मैंने क्या कर दिया, 4 से भाग लगा दिया। सोल्व कर लेना आप लोग, आंसर आ जाएगा 7 दिन। तो ये आपका क्वेश्चन था, लास्ट वाला क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और कमेंट तो आप लोगों को करना ही करना है। और शाम को मैं वीडियो डालता हूँ, 7 बजे वीडियो डालूंगा आप लोगों को, तो 7 बजे आप लोगों को लाइव रहना है, लाइव आपको देखना ही देखना है वीडियो, ठीक है ना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।